जो प्लैनेट सेक जो हाउस या जो तुम्हारा सेकंड हाउस है ना, वो भी वैसा ही काम करता है जैसा टॉरस है, बस उसमें साइन चेंज हो गया है ना। तो साइन चेंज होने की वजह से वो साइन का रिस्पॉन्सिबिलिटी अब लेता है ऐसा व्यक्ति, ठीक है। जैसे कि अब किसी, जैसे मीरा जी का मार्स सेकेंड हाउस में है, ठीक है, मार्स सेकेंड हाउस में, तो इसका मतलब है कि इन्होंने भाई बहनों को ना खुद से पाला है, इन्होंने अपने छोटे भाई बहनों को बहुत टाइम तक टेक केयर किया है। दैट इज हाउ मंगल सेकेंड हाउस में काम करता है। मंगल सेकेंड हाउस में भाई बहनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, हो सकता है उसकी मैरिज में कराने में भी सहयोग दिया हो, बहुत सारा चीज, मतलब जो एज अ टेक केयर करने वाला पार्ट होता है वो सेकेंड हाउस में प्लैनेट बैठते ही होता है, ठीक है। तो किसी का मान लीजिए मरकरी है, तो मरकरी वाला व्यक्ति किसका टेक केयर करेगा, छोटे बच्चों का। तो ये वो है जो लिखना, तुम्हारे फैमिली में अगर किसी का सेकंड हाउस में मरकरी है तो वो आएगा, तो वो कहेगा कि लाओ जो भी छोटे बच्चे हैं वो मेरे साथ आओ, चलो मैं तुमको खाने लेके जाऊंगा, तुमको कुछ करने के लेके जाऊंगा, है ना। जैसे मेरे मामा का सेकंड हाउस में मरकरी है, ठीक है, मून मरकरी, तो ही इज वेरी लिखना फेवरेट ऑफ ऑल किड्स, जो भी बच्चे हैं उनके सबके फेवरेट है, क्योंकि ही हैज मरकरी इन सेकेंड हाउस। सो जब भी हम लोग आते हैं तो ही ब्रिंग्स फूड, टेक्स केयर ऑफ एवरी चाइल्ड, ठीक है, दिस वे। सो इससे तुम्हें उनका नेचर भी पता चलता है और ये भी पता चलता है कि व्यक्ति कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी और कैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। जैसे केतु का कि क्या बोलेंगे? हाँ, केतु क्या बोलेंगे, कशिश का केतु सेकेंड हाउस में है। सो ही शी इज वर्किंग एज अ डॉक्टर, शी इज राइट नाउ स्टडिंग आयुर्वेदिक मेडिसिन, ठीक है। सो शी इज विलिंग टू टेक केयर ऑफ समबडी हु इज इल, समबडी हु हैज डिफरेंट बॉडी पार्ट। केतु कैसा है, बॉडी पार्ट डिफरेंट है ना उसका, वो उसका सर नहीं है। जी बेना जी, हैंडीकैप पीपल, या हाँ बिल्कुल। सो ऐसे लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, दैट्स अ सिंपल लॉजिक, ठीक है। सो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि तुम दोनों डायमेंशन में समझ लो। और होमवर्क मैंने करने को बोला था, मार्स कहाँ पे बैठा है और टॉरस कहाँ पे बैठा है, इसका होमवर्क कर रहे हो ना, कर लिया है नेहा जी, होमवर्क किया था। हाँ किया था मैंने, मतलब टॉरस का नहीं मिक्स नहीं किया एरीज करना का। पड़ेगा, क्योंकि अभी तो बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही कैंसर आगे निकलेगा ना, तो कैंसर के आगे निकलते ही फिर बहुत स्पीड अप हो जाएगा, इसलिए पीछे छूट जाओगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी धीरे धीरे करा रहो तो होमवर्क करते रहो, ठीक है। तो पर मार्क्स तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं है ना, मार्क्स तो टॉरस हाँ, लेकिन सेकेंड को हाउस तो टेक है, कर। टॉरस और सेकेंड हाउस दोनों एक ही बात है। मार्स इज बेसिकली कनेक्टेड विद हनुमान जी और राम जी ना, आपने यही सिखाया था। बिल्कुल सही बात है, वो देखो दैट टेक्निक कम्स इन एरीज, ठीक है, वो एरीज का पार्ट है। तो तुम दो चीजों को अलग अलग समझोगे तो समझ जाओगे, मिक्स करने की कोशिश करोगे तो कंफ्यूज होगे। लेकिन मार्स तो जहां पर भी बैठा है वहां से फोर्थ हाउस की उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, उसके उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अलग हनुमान है, मैटर उसके है। लिए हाँ नहीं, उसके लिए वो हनुमान बनेगा। हाँ एग्जैक्टली वो जो टॉरस जहां बैठा है उसने वहां की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, वो हाँ। वहां से देखो हनुमान बनेगा। देखो मेरा बात समझो, जब मैं कहता हूं कि हनुमान बनेगा, दैट मीन्स इट्स अ प्रॉब्लम सॉल्वर फॉर दैट पर्सन, पहुंचेगा। यस, प्रॉब्लम सॉल्वर, उसका कुछ भी कष्ट होगा तो वो पहुंचेगा। लेकिन कष्ट रोज नहीं होगा ये समझो। हाँ, जब जब होगा। हाँ जब जब होगा तब तक, जब जब इश्यूज आएंगे तो ये व्यक्ति उसके लिए खड़ा हो जाएगा। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब है कि उसका लालन पालन करना, उसकी वो टेक केयर टॉरस है, करना, वो टॉरस है, वो टॉरस है, वो वो टॉरस टारस है। उसकी कोई भी चीज होएगी तो आप रेगुलर खड़े हो, 24/7 उसके लिए चीजें कर रहे हो, दैट इज टॉरस। तो फिर मार्स जैसे से टॉरस आपने बोला जिस किसी घर में भी होगा उस घर का रेस्पॉन्सिबिलिटी देगा, वैसे बिल्कुल मार्स सेकंड हाउस नहीं, अगर किसी भी हाउस में हो तो इट विल वर्क एज अ वैरियर फॉर दैट हाउस। एग्जैक्टली, वो वॉरियर की तरह उसके लिए लड़ेगा, उसके लिए फाइट करेगा, ठीक है। तो किसी का लियो में है तो ये गवर्नमेंट से लड़ता है, गवर्नमेंट के लिए लड़ेगा या फिर गवर्नमेंट से लड़ेगा किसी भी चीज को लेकर के, जैसे कि अथॉरिटी से लड़ने का कॉम्बिनेशन है मार्स लियो का, ठीक है। कोई जो भी तुमको ऐसे लोग मिलेंगे जो अथॉरिटी से फाइट कर रहे हैं, ठीक है, सर एक उनसे। डाउट हाँ है, सर सॉरी एक डाउट है, अगर तो वर्जो अगर लगन में आता है टॉरस वर्गो लगन में आ गया, ठीक है, कहाँ आएगा? एक टॉरस 9th हाउस में आएगा। मिनट सर, कहते 1 मिनट, 7
वर्गो इज 7 राइट वर्गो इज 6 हां वर्गो इज 6 ये मैंने मिस्टेक कर दिया ठीक है ये मैंने मिस्टेक कर दिया ठीक है सर ठीक है ठीक है देन इज क्लियर श्योर ठीक है सर सर एक मिनट ज्यादा इसको एक बार रिपीट कर देते हैं पहला एडी सर हेलो हाँ मैं एक्चुअली दिखा देता हूँ तो डाउट क्लियर हो जाएगा सर एक मिनट खाली ये यस बता दीजिए ना एडी टॉरस उसके बाद जेमिनी जेमिनी फिर कैंसर हाँ लियो फिर वर्गो उसके बाद अच्छा उसके बाद वर्गो एक मिनट वर्गो और उसके बाद आता है लिब्रा लिब्रा उसके बाद आता है स्कॉर्पियो सैजिटेरियस कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस एंड पाइसेस ठीक है चलो आज वापस से हम लोग ना पुराने वाले एरीज पे आते हैं और कुछ बातें हैं और जो समझने वाली बातें और कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से जो समझाने हैं इसमें तो हमने ये देख लिया था कि 12 घरों में इन 12 हाउसेस में मार्स वेरियस पोजिशन मतलब एरीज कह लो वेरियस पोजिशंस में जाएगा तो वो कैसा बिहेव करेगा ये देखा था हमने है ना कि 1 नंबर कहाँ पे बैठ रहा है तो क्या पर्सनालिटी बनाता है फिर हमने ये देखा कि 2 नंबर होगा तो क्या होएगा कि जैसे 2 नंबर अगर लगन पे हो तो ऐसा व्यक्ति सेल्फ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता नहीं है वही 7 पे हो तो ऐसा व्यक्ति दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है स्वयं को निग्लेक्ट करता है ठीक है सेकेंड हाउस फिफ्थ हाउस में होगा तो ऐसे बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है इलेवेंथ हाउस में होगा तो ऐसा व्यक्ति किसी एनजीओ किसी ग्रुप ऑफ पीपल का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है क्योंकि इलेवेंथ हाउस रिप्रेजेंट्स ग्रुप ऑफ पीपल एनजीओ ठीक है ऐसा रिस्पॉन्स ट्वेल्थ हाउस में होगा तो ऐसा व्यक्ति हॉस्पिटल आइसोलेशन में रहने वाले लोग जेल में रहने वाले लोग ऐसे लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है क्योंकि ट्वेल्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है उन सारी चीज़ों को ठीक है सो वेरियस प्लेसमेंट्स में वेरियस जगहों पे प्लैनेट जो है वो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके था हमने ये दो चीज़ें सीखी थी अब एक और बात जो सीखने वाली है कि जो लगन है ना मतलब फर्स्ट हाउस उसमें बैठा हुआ प्लैनेट क्या करता है या फिर उससे क्या बिहेवियर पैटर्न बनता है या फिर उसकी बॉडी शेप कैसी बनती है ठीक है हम लोग शुरुआत बॉडी शेप से करते हैं ठीक है बॉडी शेप कैसा होगा अब देखो एरीज का जो बॉडी शेप है ना एरीज का जो बॉडी शेप है वो ऐसा है जो बहुत स्ट्रांग बॉडी बिल्ड है मतलब लाइक एन पुलिस ऑफिसर कोई भी आप अच्छे स्ट्रांग बॉडी बिल्ड वाले देखिए आर्मी के लोगों को देखिए जिनका हाइट अच्छा है कमर पतली है और ताम्र आभा ठीक है ताम्र आभा होती है मतलब कि एक कॉपरिश कलर का स्किन का टेक्सचर देता है 1 नंबर बैठने पे इट्स लाइक मार्शियन टेंडेंसीज के साथ में क्लियर है तो इस तरीके ये लोग आपको ना एरीज लगन वाले लोग आपको मोटे नहीं मिलेंगे क्योंकि बॉडी में पित्त ज्यादा है ठीक है इनका पित्त का कंटेंट ज्यादा होता है ये लोग मतलब जब भी मिलेंगे ना हम इनसे ऐसा लगेगा कि बहुत जल्दी में बहुत तेजी में कोई चीज करने में ठीक है ये इनका खासियत है शरीर का खासियत है फिर टॉरस का अगर लगन हो तो टॉरस अब देखो ये बात मैं सिर्फ लगन के लिए कह रहा हूं हो सकता है कोई और प्लैनेट जो ना वो इसका बिहेवियर चेंज करे वो कौन कैसे करेगा वो बाद में सीखना पहले अभी एक बेसिक सीख लो कि कैसा किसी का बॉडी टेक्सचर देता है 2 नंबर का लगन हो 2 नंबर का लगन होगा तो कैसा व्यक्ति का बॉडी स्ट्रक्चर होगा पहली बात तो शक्ल से सुंदर दिखने वाला मतलब फेशियली बहुत सुंदर दिखता है ठीक है बॉडी पतली नहीं होगी बॉडी हल्की सी मोटी होगी मतलब हल्की सी इन द सेंस कि हल्का सा उसमें कह लो कि ऐसा लगेगा कि लिक्विड मतलब पानी भरा हुआ है शरीर में ठीक है यहाँ पे ना वो ज्यादा मोटा है ना ज्यादा पतला होगा ठीक है ना एकदम थिन भी नहीं होगा लाइक एरीज की तरह उसके ताम्र आभा नहीं होगी गोरा हो सकता है गोरा गोरा काला की बात नहीं लेकिन इट्स लाइक कि उसके में चमक होगी उसके फेशियल फीचर्स में एक चमक होगी ठीक है इस तरह से टॉरस का लगन होएगा जेमिनी का लगन होएगा तो ऐसा व्यक्ति अगेन अच्छा दिखता है यंग दिखता है हाइट में लेकिन थोड़ा सा एवरेज से थोड़ा कम दिखेगा ठीक है हाइट वाइज क्योंकि बुध का लगन होते ही व्यक्ति की हाइट थोड़ी सी छोटी होती है ठीक है
और यंग दिखता है, मतलब बुध के लगन की खासियत क्या है कि ऐसा व्यक्ति यंग दिखता है अपने कंपैरिजन में। वो सेम मतलब आप सारे 25 साल की उम्र के लोगों को इकट्ठा कर दो तो उसमें से जो जेमिनी लगन है ना वो सबसे यंगेस्ट दिखेगा, होगी उसकी एज भी 25 ही लेकिन वो सबसे यंगेस्ट दिखेगा। दैट इज द खासियत ऑफ जेमिनी लगन, ठीक है। उसकी उसका शक्ल देख के आप बता नहीं सकते कि ये ना ये 30 साल का है 35 साल का है, लेकिन ये तो 18 ही साल का है, ऐसे ही उसकी शक्ल की वो होती है, ठीक है, ये खासियत होती है। कैंसर लगन, कैंसर लगन ना, कैंसर लगन जिनका लाइक ना फेस थोड़ा गोलू मोलू सा हो, ठीक है, क्यूट से दिखते हो, ठीक है, वैसी उनकी शक्ल होगी। और एक खासियत है कि इन लगन वालों की तोंद निकली जरूर रहेगी, मतलब उनका जो वो होगा बॉडी में वो बचपन से इनकी तोंद निकली रहेगी, ठीक है, वो जितना भी प्रयास कर ले ना वो अपनी तोंद नहीं कम कर पाते। सो दैट इज हाउ यू सी कैंसर लगना। वो गाल होंगे वैसे वाले, वो हल्का सा फेशियल होएगा, बहुत सीधे साधे दिखते हैं, ऐसा उनका बॉडी टेक्सचर रहेगा, ठीक है। फिर लियो लगन का क्या होगा, लियो लगन अगेन एक फायरी लगन है। अब अच्छा पीछे बात नहीं करी मैंने, तो 2 नंबर में अगेन पतला मोटा होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने बोला एरीज में पित्त ज्यादा है, टॉरस में वात ज्यादा होता है, वात मतलब कि एयर कंटेंट ज्यादा होता है बॉडी के अंदर, गैस का प्रॉब्लम होना एक लाजमी है, साथ में साथ कफ, वात और कफ दोनों का इम्बैलेंस इनके शरीर में होता है। 3 नंबर वालों के साथ में तीनों प्रॉब्लम है, मतलब नाम नंबर ही 3 है तो तीनों प्रॉब्लम है, वात पित्त कफ इनका हालांकि बैलेंस रहता है, जनरली इनका वात पित्त कफ बैलेंस रहता है, लेकिन प्रोमिनेंस है कि वात ज्यादा खराब हो सकती है, शरीर में वात की कंटेंट ज्यादा होती है, ठीक है, वायु पित्त ज्यादा होती एसिडिटी सर, है। पित्त को ऐसा एसिडिटी समझ सकते हो तुम, एज अ एसिड एसिड का लेवल समझ सकते हो, और वात को तुम गैस का लेवल समझ सकते हो, और कफ को तुम एज अ कफ को समझाया कैसे जाए, मतलब इट्स लाइक कि कोल्ड है ज्यादा उसके कोलन ऊपर कफ में, हाँ तो को वैसा है। जलयांश भी कहते हैं, जो शरीर में जल होता है ना तो उसको हम कफ से रिलेटेड कर सकते हैं। और वात हमारा वायु हो गया, अग्नि को हम पित्त से लेते हैं, जैसे शरीर में डाइजेस्टिव फायर जो होता है ना उसको हम पित्त से कोरिलेट कर सकते हैं लेमन लैंग्वेज में। ठीक है तो क्लियर है भी। और कैंसर में कफ ज्यादा होता है, ठीक है, तो इनको तुमको बीमारियां भी जो दिखेंगी ना वैसे ही दिखेंगी, मतलब जो कैंसर लगने वाले लोग को ज्यादातर कोल्ड होने का टेंडेंसी होता है, ये रात में दही खा लें, रात में ठंडा पानी पी लें तो कफ जल्दी से बढ़ जाता है, तुरंत नाक पकड़ लेगी, गला पकड़ लेगा, कफ का प्रॉब्लम इजली होता है, ठीक है, ये इम्बैलेंस का प्रॉब्लम है। थर्ड वालों को ज्यादा प्रॉब्लम पित्त से नहीं होती है, जितनी प्रॉब्लम इनको गैस की वजह से हो सकती है, ठीक है, गैसियस कोई भी पेट में ऐसा खाना खा ले जिसमें गैस बन जाती है बहुत जल्दी, वैसी प्रॉब्लम होगी। टॉरस वालों को ज्यादातर कफ और ये सब बैलेंस रहता है इनका काफी हद तक, लेकिन ज्यादातर इनको कैसी प्रॉब्लम होगी, कफ की प्रॉब्लम होती है इनको अगर होगी भी तो, ठीक है। एरीज वालों को एसिडिटी का प्रॉब्लम होना, ठीक है, एसिडिटी का प्रॉब्लम होना, क्रोध का प्रॉब्लम होना, ठीक है, बॉडी के अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स इनको होती हैं। अब ये सेम पैटर्न रिपीट होता है 5 नंबर के साथ में, 5 नंबर में अगेन जो बॉडी टेक्सचर है सिर्फ 5 नंबर की वजह से लियो वालों का वो कहता होता है स्क्वेरिश होता है, मतलब कि इनका जो शोल्डर साइज है और जो वेस्ट साइज है वो बराबर होता है, तो ये इनका बॉडी ऐसा स्क्वायर जैसा दिखता है, ठीक है। एरीज का जो बॉडी दिखता है ना वो ट्रायंगल टाइप का दिखता है, मतलब कि कमर पतली और शोल्डर वाइड इस तरीके से। कैंसर का बॉडी ट्रायंगल टाइप का होता है कि पेट निकला हुआ, शोल्डर कम, तो ट्रायंगल ही बोलना चाहिए, ट्रेपेजियम टाइप से बोलते हैं इस फॉर्म से, ये फॉर्म का बॉडी पैरेललोग्राम, टेक्स्ट, सॉरी उल्टा बता दिया, मतलब शोल्डर छोटे होंगे और वेस निकला होगा इस प्रकार से, इस प्रकार से इनकी बॉडी होती है, ठीक है। जेमिनाई बैलेंस्ड है, जेमिनाई का टेक्सचर पतला ही होता है, ज्यादा उसका नहीं होता, बैलेंस्ड है वो, ठीक है। तो इस प्रकार से लियो का बॉडी जो होता है वो आपको देखने को मिलेगा कि एज अ
है, पतला, जनरली पतला होता है बट स्क्वायरिश इन शेप होता है, ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा अग्नि का अगेन कंटेंट हाई है, ठीक है। अब वर्गो का बॉडी टेक्सचर अगेन बैलेंस्ड होता है जैसे टॉरस का होता है, इसमें बहुत स्पेसिफिक नहीं है, बट हाँ इनको भी कफ के रिलेटेड में प्रॉब्लम्स होने का टेंडेंसी ज्यादा है। सेवन नंगर अगेन वात, जैसे जेमिनाई को वात होती है वैसे लिब्रा को भी वात का प्रॉब्लम होना इजिली है। ये भी तुमको वात, जैसे कि जैसे जेमिनाई यंग दिखता है वैसे लिब्रा भी यंग दिखता है, ठीक है। लिब्रा भी तुमको ऐसा यंग सा देखने वाला मिलेगा, सुंदर दिखेगा, ठीक है, फेस में काफी कुछ लगा करके टिप टॉप करके अपने आप को मिलेगा, ठीक है। स्कॉर्पियो अगेन मोटा लाइक अस कैंसर, ठीक है, स्कॉर्पियो भी कैंसर की तरह ही दिखेगा तुमको, उसकी भी पेट निकलेंगे और बॉडी में वाटर कंटेंट ज्यादा होगा। आठ नंबर हो गया। नौ नंबर अगेन सेम एज 1 और 5, ठीक है। सैजिटेरियस भी पतले होते हैं, इनका भी बॉडी टेक्सचर पतला होएगा और ये लोग तुमको एथलेटिक बिल्ड्स के दिखते हैं, ठीक है। 9 नंबर हो गया। 10 नंबर हो गया। 10 नंबर के साथ कुछ खासियत है, 10 नंबर के लोग ना थोड़े से तुमको ऐसे दिखेंगे जो इंट्रोवर्ड हो, ठीक है। इनकी खासियत है कि थोड़े इंट्रोवर्ड हो, ये अपफ्रंट तुमको नहीं मिलेंगे एकदम। जैसे लियो लगन वाला व्यक्ति ना खुल करके सामने आएगा, बताएगा, बोलेगा, पार्टी में किसी कहीं जाओगे ना तो सबसे ज्यादा जो चिल्ला चिल्ला की बात करे, या पार्टी में जाओ तो जो सबसे ज्यादा लोगों से मिले, ठीक है, बहुत सारे लोगों से बातचीत करे, वैसा वाला लियो व्यक्ति होगा। बट कैप्रिकॉन वाला व्यक्ति कैसा होगा, वो शाई टाइप का होता है, वो ज्यादा सबसे वो मतलब उसके पास कोई गया तो ठीक है, वरना वो एक ही पार्टी में खड़ा होकर के खाना खा के चला जाएगा, उसका कोई बहुत ज्यादा लोगों से मिलने में इंटरेस्ट नहीं होता, या समथिंग लाइक दैट, ऐसा पर्सनैलिटी बनाता है। तो शरीर से मैंने बता ही दिया, बाकी ये बता रहा था। अक्वेरियस, अक्वेरियस के भी बॉडी रिएक्शन में खासियत में देखी है मैंने, ये लोग जो लाइक ना आप वो लोग को देखिए जो एक्स्ट्रा लंबे या एक्स्ट्रा छोटे हो जाएं, या फिर एक्स्ट्रा बड़े मतलब चौड़ाई में ज्यादा हो जाएं, कुछ एक्स्ट्रा दिखते हैं ये लोग, समझ रहे, कुछ एक्स्ट्रा दिखने वाले टाइप से होंगे। पाइसिन अगेन इज लाइक सेम एज कैंसर स्कॉर्पियो, और ये भी तुमको हल्के से बॉडी वेट लिए हुए तुमको मिलेंगे, ठीक है। फेशियल फीचर्स भी स्मूथ होगा, अच्छे टाइप से दिखेंगे और टोन निकली होगी, दैट इज अ फीचर जो कि इससे आता है, पाइसेंस आता है, ठीक है। इवन इफ कि कई बार नहीं, मोस्ट ऑफ द केसेस जो खाद्य पदार्थ हैं उनको भी उनका लाइक और डिसलाइक भी प्रूवन होता है इन्हीं लगन से, मतलब कि जैसे कि एरीज लगन वाला व्यक्ति, इनको मिर्च मसाले खाना, ठीक है, मिर्च मसाले खाना, तीखा खाना, ठीक है, जिसमें तेज ज्यादा हो, वैसे खाने खाद्य पदार्थ ज्यादा रुचिकर मिलेंगे। इसीलिए एरीज लगन का मांस या फिर नॉन वेजिटेरियन होना इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, क्योंकि ये इनको इस प्रकार के तीक्ष्ण भोजन करना बहुत पसंद होगा, ठीक है। फायरी आइटम्स जैसे कि जिसमें होते हैं ना जो ग्रिल करे जाएं, ठीक है, जिनका जो तंदूर में बने हुए आइटम्स हो, ठीक है, जो रोस्टेड हो, वैसी चीजें एरीज वालों को ज्यादा पसंद आती हैं, ठीक है। टॉरस कैसे फूड पदार्थ प्रेजेंट पसंद करेगा, टॉरस विल भी देखो दो दो आयाम है, एक तो लिक्विड देखना, जूसेस जो ज्यादा प्रेफर करे, फ्रूट्स ज्यादा जो प्रेफर करे, लिक्विड सामान बोले कि इसका जूस बना के दे दो, इसका ये बना करके दे दो, तो लिक्विड आइटम्स ज्यादा पसंद करता है। साथ ही साथ मिल्क प्रोडक्ट्स ज्यादा पसंद होते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स में दूध दही, ठीक है, ऐसे आइटम्स पसंद होते हैं, ठीक है, फ्रूट्स दूध दही ये सब आइटम्स इनको ज्यादा पसंद में मिलेंगे। 3 नंबर को कैसा भोजन चाहिए, 3 नंबर को चटपटा, मर्क्यूरियल जो नेचर है ना, चटपटा चाहिए इनको, मतलब चाट, टिक्की, पकौड़े, है ना, जिसमें स्वीट एंड सॉल्ट बोथ हो, वैसा जेमिनाई को पसंद है। कैंसर को कैसा पसंद है, कैंसर को चीज चाहिए,
चीज चाहिए, मिल्क प्रोडक्ट्स चाहिए इनको, वो जो दूध के पाउडर आते हैं वो सैगा खा जाने वाले, वैसे चीजें जो है ना वो कैंसर को पसंद आती हैं। ठीक है, पनीर ये बहुत पसंद होता है, दैट्स अ सिंपल नेचर ऑफ कैंसर। साथ ही साथ नमक के आइटम, नहीं नमकीन खाना, मतलब ऑब्सेशन हो जाना कि किसी नमकीन को कंटिन्यूअसली खाए जा रहे हैं, वैसा नमक का भोजन करना, क्योंकि नमक ही है जो एक्चुअली में पानी को बॉडी में स्टोर करता है। ठीक है, मतलब आप जितना ज्यादा नमक खाते हैं उतना ज्यादा पानी आपके शरीर में टिका रहेगा, वो बाहर नहीं निकलता, और जितना कम नमक खाते हैं उतना पानी बाहर चला जाता है, इजिली वो स्टोर नहीं हो पाता है। तो इसीलिए कैंसर लगन को नमक, नमकीन पदार्थ खाना ज्यादा पसंद होता है। और ये चीज में जब मैं कैंसर बोलता हूँ तो मैं चंद्रमा भी बोलता हूँ, ठीक है, मून का भी बोलता हूँ। तो मून को कैसे भोजन पसंद है और मार्स को कैसे भोजन पसंद है, मार्स का मतलब सेम एज एरीज, ठीक है, मून के भोजन बता दिया मैंने, नमकीन भोजन है, ठीक है, मून मार्स, मकड़ी का मैंने बताया चटपटा, ठीक है, वीनस का मैंने बताया तुमको जूसेस, ठीक है, जूस फ्रूट्स, ठीक है, लिक्विड आइटम्स, उसके बाद वीनस मकड़ी हो गया, जुपिटर, जुपिटर ना, जुपिटर किसी को अगर लगन में है, स्वीट्स, ठीक है, खाने के बाद स्वीट्स चाहिए ही चाहिए, ऐसा वाला सिचुएशन है, ठीक है, जुपिटर अच्छा होता है ऐसे व्यक्ति का, ठीक है। और बेसन की चीजें, ऐसे व्यक्ति को बेसन, जब जुपिटर हावी होगा तो बेसन की संबंधित चीजें खाने में बड़ा इंटरेस्ट होता है, मतलब तला भुना ऐसा टाइप से। सैटर्न, सैटर्न कैसे भोजन देता है, सैटर्न ड्राई फ्रूट्स जैसे खाने का वो देता है, ड्राई फ्रूट्स होंगे, सैटर्नियन टाइप के फ्रूट्स होंगे। सैटर्न अगर प्रोमिनेंट होगा लगन पे तो ऐसा व्यक्ति मिर्च नहीं खा सकता है, क्योंकि सन जो है ना वो मिर्च का कारक है। तो कोई तीखा खाए मिर्च, जैसे जो कुछ लोग होते हैं ना, आपने देखा होगा हरी मिर्च, वो खाने के थाली में ही हरी मिर्च चाहिए चाहिए, वो एक तरफ साइड में खाए जा रहे हैं और भोजन दूसरी तरफ खा रहे हैं, दैट इज सन, ठीक है। और सैटर्न का नेचर क्या है, सैटर्न टोटली अपोजिट है, सैटर्न मिर्च नहीं खाता है, वो खाता ही नहीं, वो जो खाना तीखा है ना वो खा ही नहीं सकता, ठीक है, ब्लंट ब्लंट फूड कह लीजिए, बहुत मिर्च वाला खा ही नहीं सकता वो, ऊपर से हरी मिर्च खाना तो इनके लिए मतलब पहाड़ तोड़ने के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो सैटर्न ठंडे आइटम्स को रिप्रेजेंट करता है, आइसक्रीम को रिप्रेजेंट करता है जो ठंडी हो गई है, ठीक है, ड्राई फ्रूट जो कि बहुत दिन तक रखी गई है, ठीक है, अचार को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, वैसे आइटम्स जो कि काफी देर तक, लेकिन फर्मेंटेड आइटम्स, ठीक है, वैसे आइटम्स को रिप्रेजेंट करता है। केतु, केतु के साथ ऐसा देखा है मैंने कि जैसे केतु ना ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करता है, तो आप सोचो कि कौन से फूड्स ट्रायंगुलर होते हैं, पिज़्ज़ा और सैंडविचेस, पिज्जा, बिल्कुल पिज्जा, सैंडविचेस एंड समोसास, समोसास, ठीक है। तो केतु प्रोमिनेंट होता है चाट में, तो ऐसे लोग को पिज्जा समोसा ये सब खाना पसंद है, ठीक है। और केतु भी स्पाइसेस खाना पसंद करता है, ठीक है, तो मार्स की तरह है, तो इट्स वेरी सिमिलर टू मार्स, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ ना कुजावत केतु और शनिवत राहु, दैट मीन्स केतु इज वेरी सिमिलर टू मार्स एंड राहु इज वेरी सिमिलर टू सैटर्न। राहु जो है ना, राहु नए प्रकार के फूड्स को रिप्रेजेंट करता है, मतलब नए प्रकार को नहीं बोलना चाहिए, बट ऐसे फूड जिनका प्रिपरेशन बड़ा डिफरेंट टाइप से हुआ हो, बट ओरिजिनली राहु का कोई फूड नहीं है, राहु केतु क्योंकि छाया ग्रह है, ये ओरिजिनल कोई प्लैनेट नहीं है, तो ये जिस साइन में बैठ जाए उस साइन के रिगार्डिंग में, उस साइन या उस हाउस के रिगार्डिंग या उस प्लैनेट के रिगार्डिंग में ऑब्सेशन देते हैं, उस प्रकार का फूड बना देते हैं। लाइक ये मार्स के साइन में बैठ जाएंगे तो अगर कोई व्यक्ति तीखा खाता है तो ये अधिक तीखा खाएंगे, ठीक है, तो सन राहु होगा तो डेफिनेटली ये तो बहुत मिर्ची खाता है, ठीक है, सैटर्न राहु होगा तो ये व्यक्ति बिल्कुल मिर्ची नहीं छू सकता है, तो वो बूस्टर टाइप से है, इनका काम सिर्फ बूस्टिंग का है, कोई भी चीज को बूस्ट या स्मॉल करते हैं, ठीक है, दिस वे दे वर्क। जैसे कि मून कैंसर में राहु हो जाए तो ये फूड का ऑब्सेशन देंगे, कैसे फूड का, नमकीन फूड का ऑब्सेशन देते हैं,
ठीक है, नमक की वाली चीज को अगेन ऑब्सेशन दे देंगे। जेमिनाई में राहु हो जाए, जेमिनाई में राहु हो जाए नो तो सर, ऐसा। मेरा तो कैंसर में राहु है, तो हाँ फर्स्ट हाउस में ठीक है, बस कैंसर आई में नोट राहु दैट। है तो नमक की चीजों का देता है, लेकिन इसका मतलब कोई और प्लैनेट जरूर होगा जो दूसरा इफेक्ट डालता है, नहीं समझे? जैसे कि सेकेंड, क्योंकि सेम फूड आइटम दूसरे से भी होता है, टॉरस भी फूड आइटम्स को डिपेंड करेगा, तो हो सकता है मार्शियन चीजें ज्यादा डोमिनेट कर जाए। ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है ना, अभी अभी तो हम सिर्फ लगन को देखे हैं, हो सकता है कोई दूसरा प्लैनेट आगे पीछे से इन्फ्लुएंस ज्यादा करे, बट द होल केस सिनेरियो तुमको जो मिलेगा वो है कि राहु का कैंसर में होते ही तुमको नमक वाले प्रोडक्ट या चीज प्रोडक्ट या फिर पनीर के प्रोडक्ट, इन पे वो होगा। मुद्दा ये कहने का है कि राहु इस प्रोमिनेंटली जो उसके साइन में उसको वो प्रमोट कर रहा है बस। ओके ठीक है, जेमिनाई होगा तो अगेन चटपटा वाला भोजन ही, स्वीट एंड सॉल्ट वाला भोजन ही पसंद आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से तुमने चीजें देख ली कि किस प्रकार के भोज पदार्थ और ये सारी चीजें पसंद आएंगी। अब इसी तरीके से बॉडी टेक्सचर भी तुमने समझ लिया कि मून लगन में होगा तो कैसा व्यक्ति दिखेगा, सुंदर दिखेगा, ठीक है, फेशियल फीचर्स कैसे होगा, मार्स लगन में होगा तो कैसा दिखेगा, मरकरी लगन में होगा तो यंग दिखेगा, वीनस लगन में होगा तो कैसा सुंदर दिखेगा और प्रोमिनेंट, जुपिटर लगन में होगा तो भी कैसा दिखेगा, ठीक है, सैटर्न होगा तो डल दिखेगा कैप्रिकॉर्न की तरह पे, सन होगा तो भी एक प्रकार से दिखेगा, सन होगा तो काफी ग्लोइंग होगा, स्किन बहुत अच्छी होएगी, ठीक है, केतु होएगा तो भी डिफरेंट तरीके से दिखेगा, बियर्ड रखेगा, सैटर्न केतु जो है वो बियर्ड रखवाते हैं, ठीक है, दाढ़ी मूछ रखने का शौक होता है, मून वाला व्यक्ति कभी भी दाढ़ी मूछ नहीं रख पाता, क्लीन शेव रखेगा, मार्स सेकेंड हाउस में हो तो क्लीन शेव रखेगा। अब ये सेम चीज ना सेकेंड हाउस में भी डालनी है, क्योंकि फर्स्ट हाउस भी तुम्हारे पूरे बॉडी को दिखाता है, एक्चुअली फर्स्ट हाउस पूरे बॉडी को दिखाएगा, सेकेंड हाउस सिर्फ फेस को दिखाता है। ठीक है, तो सिर्फ फेस से हम क्या क्या सीख सकते हैं वो देखते हैं। तो जैसे कि 1, 5 और 1, 5 और 9, सॉरी 1, 5, 9, ये फायरी है, ठीक है, ये फायरी साइंस है। जब फायरी साइंस सेकेंड हाउस में होंगे तो ऐसा व्यक्ति बियर्ड्स, जो बड़ी बड़ी बियर्ड्स हैं, ठीक है, वैसे चीजें नहीं रख सकता। फेस उसका क्या होएगा, वो क्लीन शेव रखने की कोशिश करेगा, वहां पे उसको थोड़ा सा भी बियर्ड आ जाए तो वो इचिंग होता है या ऐसा होता है, वो क्लीन शेव रखने की कोशिश करता है। ठीक है, उसके साथ में फिर तुम्हारे कोई भी प्लैनेट बैठ जाए, जैसे कि कोई प्लैनेट बैठ जाए सैटर्न राहु, कॉमा लगा रहा हूं, सैटर्न राहु ये प्रकार के प्लैनेट बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति बियर्ड रखता ही रखता है फॉर श्योर। मतलब सेकेंड हाउस में सैटर्न है, बियर्ड फेस में दाढ़ी है, मूछे काफी घनी है, राहु है तो बड़ी दाढ़ियां हैं, ठीक है, सिंगल राहु हो, मान लो सिंगल राहु है, सिंगल राहु है ना तो पैची, मतलब कि प्रॉप पूरी दाढ़ी नहीं रखेगा, सिर्फ हो सकता है आधी दाढ़ी रखे, पूरा नहीं, क्योंकि राहु पूरा कंप्लीट नहीं है, तो पैच में रखना, सिर्फ लाइन रखना, इस प्रकार से चीजें करना, या फिर क्योंकि शक्ल सेकेंड हाउस शक्ल पे है ना तो सिर्फ एक चीज नहीं होएगा, तो हो सकता है चश्मा लगाता हो राहु सेकेंड हाउस में, ठीक है, और कई बार मैंने ये भी देखा है कि ये लोग फेक चीजें लगाते हैं, फेक चीजें यानी कि आई लेंसेस, जिसका जरूरत नहीं है, आंखें है ना सेकेंड हाउस, आंखों भी है तो जरूरत नहीं था जिसका उसको वो लगाए, जैसे कि लेंसेज लगा रहे हैं, फेक ग्लासेस लगा रहे हैं, कब मतलब हमेशा चश्मा लगाए हुए, कुछ लोगों की फोटो देखते होगे आप लोग है ना, उनकी आंखें नहीं देखी आपने, हमेशा चश्मा ही लगा हुआ है, दैट इज हाउ राहु इज ट्राइंग टू क्रिएट अ स्मोक और अ स्क्रीन, मतलब कि वो दिखाना नहीं चाहता है अपने को ओरिजिनली क्या है, तो एक कवर रखता है वो, तो ढक करके रखना, दैट इज राहु सेकेंड हाउस किसी भी फॉर्म से, ठीक है, तो फेक ग्लासेस लगाना, हल्की हल्की बियर्ड रखना, ठीक है, फुल बियर्ड नहीं रखना, ठीक है, दैट्स हाउ सैटर्न होगा तो फुल बियर्ड,
अब आप कहोगे कि लड़की के केस में क्या होएगा, क्वेश्चन आएगा ना कि लड़की लोग क्या करेंगे, क्या वो भी बीएड रखेंगे? नहीं, ऐसे तो नहीं होगा। सैटर्न जो सेकंड हाउस में होगा ना, तो सैटर्न सेकंड हाउस में जब होता है तो ऐसा व्यक्ति का चेहरा बड़ा तुमको डल मिलेगा, समझ रहे हो? डल मतलब कि उसके चेहरे पे ऐसे लगेगा कि बड़ी उदासी है, खुशनुमा चेहरा नहीं दिखेगा, समझ रहे हो? ऐसा लगेगा कि जब बड़ा दुखी सा है ये, क्यों? मतलब उसके स्माइल पूरी नहीं होएंगी, ठीक है? और यही तुम्हारे पास मून हो या वीनस हो तो ऐसा लगेगा कि यार ये तो मतलब स्माइल ही कर रहा है, मुस्कुरा ही रहा है, ठीक है? या फिर हंसमुख सा चेहरा होगा। मून सेकंड हाउस में होगा तो सुंदर दिखेगा, ठीक है? अच्छा, गुड लुकिंग होगा। वीनस भी होगा सेकंड में तो बहुत सुंदर दिखेगा, ब्यूटिफुल फेस होगा। सैटर्न सेकंड हाउस में हो तो ब्यूटिफुल फेस नहीं होगा, कितना भी कोशिश कर ले कि सेकंड हाउस में सैटर्न है तो सुंदर नहीं दिख सकता है सर, उसको काफी तामझाम करना पड़ेगा सुंदर देखने के लिए। सन हो, मार्स हो, ठीक है, केतु। सन मार्स केतु क्या करते हैं ये, एक तो पहली बात तो अच्छा लगन में भी सन मार्स, सन सन देखो सेकंड हाउस में होते ही अगेन एक ब्राइट फेस देता है, ठीक है, ब्राइट गुड लुकिंग फेस देता है, बट कोई ना कोई निशान जरूर दे देता है। निशान मतलब कि कोई ना कोई, या तो हल्की सी झाई आ जाए, मतलब मार्स का नेचर है, मार्स का नेचर है कि हल्का कुछ कोई दाग बन जाए, छोटा सा पैच बन जाए, इस प्रकार की चीजें करता है, ठीक है? केतु हो तो जो, अगर स्पेशली मार्स और केतु दोनों मिल जाए तो जो चेहरों में गड्ढे नहीं हो जाते कुछ लोगों के, वो गड्ढे टाइप की चीजें देता है। कुछ एक्टर्स हीरोज तुमने देखे होंगे जिनके चेहरों पे गड्ढे 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 पूरे थे। मार्स होंगे तो सिंगल डॉटेड रेड 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 रेड, वो जो डॉट पैचेस बनते हैं, इस प्रकार की चीजें होती हैं, ठीक है? झाई होना, ठीक है, किसी प्रकार का झाई होना, एक हल्का सा ब्लैकिश चीजें आना, ये भी केतु की वजह से आते हैं, ठीक है? केतु का सेकेंड हाउस में होना, ठीक है, मार्स की वजह से क्या होगा, मार्स की वजह से चेहरा कैसा दिखेगा, चेहरा विल बी व्हाट टू से, मार्स के सेकंड हाउस पे इफेक्ट डालते हैं ना, एक्चुअली चेहरा नहीं, आंखों पे, वो आंखों के नीचे वो ऐसा लगता है कि सोए नहीं है, डार्क सर्कल्स हाँ, डार्क सर्कल्स टाइप से वैसा पैटर्न देता है, ठीक है? वो उस प्रकार की चीजें करता है। सन सन भी रहेगा सेकंड हाउस, सन सेकंड हाउस में अच्छा दिखाएगा, बट वही कुछ ना कुछ दाग या कुछ ऐसा पैच देने में सक्षम है, ठीक है? अभी केतु कोई ना कोई पिंपल्स, मार्स स्पेशली पिंपल्स का प्रॉब्लम बहुत देता है, ठीक है? मार्स अगर सेकेंड हाउस में हो तो पिंपल्स, बच जब ग्रोइंग एज होता है उसमें पिंपल्स का प्रॉब्लम, रेड पिंपल्स आना, इस प्रकार की चीजें करता है, ठीक है? बट ये चीज आपको सीखने में टाइम लगेगा अभी, क्योंकि जो फेशियल फीचर वगैरह है ना, ये कम से कम 10,000 लोगों को देखोगे तब जाके तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा इसका मार्क्स कैसे काम कर रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति में वो पैटर्न डिफरेंट होगा, हर व्यक्ति के शक्ल में वो काम डिफरेंटली करता है, ठीक है? तो दो चीजों से शक्ल सूरत डिसाइड हो रही है, वो लगन है, लगन में बैठा हुआ प्लैनेट है, और एक है सेकेंड हाउस में, सिर्फ फेशियल की बात करता है, उसके अलावा की बात है। लगन में बैठा हुआ प्लैनेट हो सकता है डोमिनेट कर जाए, या सेकेंड हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट डोमिनेट कर जाए, ठीक है? लुक्स वाइज लुक्स को चेंज कर सकता है, बट यू विल सी जो जो ट्रेंड है, जो तुमको समझाया मैंने उस प्रकार से तुमको ये ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो तुम्हारे पास लोग आए, ऐसे लोग आए जो लाइक ना, जो बोले कि यार बहुत सारा मेरे को इश्यू हो रहा है, जैसे कि मैं तुमको एक चार्ट दिखा बताता हूँ कि इनको लाइक ना एक लेजर ट्रीटमेंट से जाना पड़ रहा है कंटिन्यूस बेसिस पे। ये लेडी है, इनको मैं जानता हूँ, तो इनका पाइसिस लगन है, और इनको कंटिन्यूस लेजर ट्रीटमेंट के थ्रू जाना पड़ रहा है, क्योंकि इनकी स्किन में कहीं कहीं ना वो वाइट स्पॉट्स आ जा रहे हैं, चेहरे पे आ रहे हैं, ठीक है? और ये लेजर ट्रीटमेंट से जा रहे हैं। तो देखो इनका कॉम्बिनेशन क्या मिला है, इनको केतु इन मार्स के साइन में, तो ये मार्स का केतु का कॉम्बिनेशन हो गया। और दूसरा चीज,
टॉरस में भी मार्स। टॉरस भी फेस रिप्रेजेंट करता है एरीज भी से एरीज जो सेकेंड हाउस में वो भी फेस को मतलब ओरिजिनली जो सेकेंड हाउस है ये वाला हाउस ये भी चेहरे को डिनोट करता है। और जो टॉरस जो नेचुरल फेस का हाउस है वो भी यहाँ पे है, उसमें भी एक बैठा हुआ मार्स है और नेचुरली सेकेंड हाउस में बैठा हुआ भी केतु है। ठीक है, ये दोनों कॉम्बिनेशन की वजह से इस लेडी को अभी ये लेजर ट्रीटमेंट के थ्रू जाना पड़ रहा है। ये किस एक प्रकार का फेस में कोई ना कोई इन्फेक्शन डिफेक्शन दे रहा है। अभी मेरे पास भी एक चार्ट निकला आपके कहने पे, मैंने निकाला लेजर ट्रीटमेंट का। द पर्सन इज वर्गो एसेंडेंट ओके, और लिब्रा एक में मिनट रुको रुको सैटर्न रुको केतु है। रुको रुको, पर्सन इज वर्गो, वर्गो एसेंडेंट लिब्रा में सैटर्न केतु है, सैटर्न केतु है ओके, हाँ और जो टॉरस 9th हाउस में आ रहा है उसमें सन मार्स है। सन मार्स है ठीक है। उन पूरा फेस उनका मतलब आप ना सामने बैठ के देख नहीं सकते, इतना मतलब पूरा फेस पे होल्स है। एंड शुक्र है उस इंसान ने थोड़ी दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली अपनी, सो इट्स मैनेजेबल। सो वी स्टिल ट्राई टू फोकस समवेयर एल्स एंड टॉक ठीक है, तो अगेन देखो टॉरस जो और डिवोर्स भी ओरिजिनल हो गया इनका। वो तो होना ही है सैटर्न के तो लिब्रा में, चल बट द होल थीम इज अच्छा। नवाज का लगन भी देख लेना रहता जी एक सैटर्न बार। केतु कहाँ से लिब्रा में हुआ? अच्छा 7th हाउस ओके। हाँ लिब्रा का साइन, लिब्रा का साइन, आप 7th हाउस देख रहे हो, लिब्रा का साइन यहाँ पे। हाँ सेकेंड हाउस पे ओके फोकस रखो ना, अगर फेस पे जाना है, फेस का कोई इश्यू है तो टॉरस एंड लिब्रा ये चीज तो मतलब टॉरस और सेकेंड हाउस दोनों ही दो दो नंबर। तो सेकेंड हाउस आप देख रहे हो यहाँ पे देखो सैटर्न केतु है ठीक है, और यहाँ पे सन मार्स जो कि सेम सिमिलर पैटर्न है ना। देखो केतु यहाँ फिर सेकेंड हाउस में आया और मार्स भी टॉरस में आया, तो टॉरस भी गया साथ ही साथ और सेकेंड हाउस भी गया, तो दोनों चीजें जा रही हैं यहाँ पे। और तुमको मेजोरिटी जब एक्सट्रीम केसेस होंगे ना उसमें तुमको ये चीज मिलेगी कि दोनों जा रहा है, एक जब जाएगा तो उतनी समस्या नहीं होगी। मतलब मान लो कि किसी का केवल केवल केतु हो ठीक है, लेकिन टॉरस सीक है, टॉरस में कोई प्लैनेट नहीं है, तो इसका मतलब कोई इशू नहीं है, कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है ठीक है। दाग आएंगे, पिंपल्स आएंगे, आएंगे चले जाएगा, कोई इशू नहीं है, क्लियर है। इनका नवांश जो है राइजिंग वो एक्वेरियस है, सन इन लग्ना नवांश में। केतु अगेन इन टॉरस, इन नवांश के रहा इन नवांश। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक्चुअली में देख सकते हो कि किसको फेशियल रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं ठीक है। अब दूसरे चीजों के बारे में बात करते हैं, किसको आंखों का प्रॉब्लम होगा और किसको दांतों का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आंख और दांत भी सेकेंड हाउस से देखे जाते हैं ठीक है। तो आंख और दांत कैसे देखेंगे, देखो अब इसमें थोड़ा सा डिवीजन है। डिवीजन ऐसा है कि सैटर्न राहु सन मार्स केतु, ये ग्रुप सैटर्न राहु और एक और कौन सा है जब वीनस मकरी मून मून ये सेट है ठीक है, ये तीन चीज है, एक दो तीन। अब देखो ये तीनों ना फायरी प्लैनेट है, तो फायरी प्लैनेट जो है ना वो दांतों को अफेक्ट करेंगे। सैटर्न राहु कोल्ड प्लैनेट है, ये आइस को इफेक्ट करते हैं। वीनस भी आइस को रिप्रेजेंट करेगा, वीनस भी कोल्ड है। मून मरकरी आर मिडिल मैन, ये दोनों ही का कोई लेना देना नहीं है आंखों और दांतों से ठीक है। तो अब मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि किसी भी व्यक्ति का सेकेंड हाउस में मार्स हो तो ऐसे व्यक्ति को किस चीज का प्रॉब्लम होएगा, दांतों का प्रॉब्लम होएगा, दांत दुखेंगे।
टीथ रिलेटेड इश्यूज आएंगे, मतलब वो जो ड्रिल कराना पड़ रहा है, ठीक है, दांत निकलवाने पड़ रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, दांतों में दर्द होना, ये मार्स सेकेंड हाउस देता है, ठीक है। सन भी होगा तो भी सेम गर्म है ना, तो सेम इश्यू। लेकिन सैटर्न होगा ना, तो सैटर्न दांतों को इफेक्ट नहीं करता है, सैटर्न आंखों को इफेक्ट करता है। सैटर्न आंखों रिलेटेड, यानी कि आई साइट कमजोर कर देना, ठीक है। राहु होगा तो भी आई साइट कमजोर कर देना, ठीक है, चश्मा लग जाना, आईज में कोई ना कोई प्रकार का इन्फेक्शन होना, मोतियाबिंद होना, ठीक है, कह रहा हूं ना, आईज इल्यूजन है राहु। तो जो भी क्लियर चीज है ना, उस जिसे मैंने बोला लेंस लगाता है, चश्मा लगाता है, तो इसी तरह से आई के अंदर में जो लेंस है उसको खराब करने की क्षमता रखता है राहु। तो मोतियाबिंद होना राहु सेकेंड हाउस में का इफेक्ट है, ठीक है। वीनस होगा सेकेंड हाउस में, आंखें बड़ी होंगी, सुंदर दिख, आंखें सुंदर होंगी लेकिन काम नहीं करती। काम नहीं करती इन द सेंस कि बड़े बड़े चश्मे लग रहे हैं, ठीक है। और ये चीज, सेम चीज तुमको कहां देखने को मिलेगी, वीनस इन लग्ना ऑल्सो, वीनस इन लग्ना ऑल्सो, सुंदर दिखता है व्यक्ति, आंखें बड़ी हैं लेकिन आंखें काम नहीं करती। क्लियर है, मतलब चश्मा लगा है, ठीक है। वीनस इन लग्ना के साथ तो ये तो श्योर है, चश्मा लगा है, लगन में वीनस हो जाए ना तो आंखें खराब कमजोर होते हो जाती है। और ये सिंगल वीनस की बात कर रहा हूं, हो सकता है देयर कुड बी अदर, मतलब वहां पे अगर वीनस के साथ कोई प्लैनेट बैठ जाए तो फिर वो नेचर चेंज कर देगा, ठीक है। मतलब वीनस यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ ना, अकेला होना चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए वीनस मरकरी मून तीनों चीजें बैठी हैं तब तुम कह दो, नहीं, सिर्फ वीनस होगा तो श्योर है ये सिचुएशन है। मरकरी मून के साथ या किसी और प्लैनेट, जुपिटर वीनस के साथ में कुछ, फिर हमें देखना पड़ेगा कि हो सकता है दूसरा चीज इफेक्ट हो रही हो, ठीक है। वीनस सिंगल है तो आंखें सुंदर है, काम नहीं करती, चश्मा लग जाता है, ठीक है। ठीक है, तो मैंने ये बता दिया कि दांतों को अफेक्ट करने वाले प्लैनेट्स कैसे होंगे, सन मार्स फायरी प्लैनेट्स, सैटर्न राहु वीनस आंखों को अफेक्ट करते हैं और जो दांतों को अफेक्ट करते हैं। तो जो जिनका भी केतु होगा तो अगेन दांतों को लेकर के बहुत सतर्क रहना है कि दांतों रिलेटेड इश्यू आने वाले हैं, ठीक है। और किस साल में आएंगे, वो तो हमने देखा हुआ है ना सर, सेचुरेशन ऑफ एज। हाँ तो बताओ जल्दी से, सेकेंड हाउस कब एक्टिवेट होगा? हाँ सेकंड हाउस कब एक्टिवेट होगा, मतलब ये 12 या 14 एज में या 28 में, मतलब बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो पहला 40 में। सेकेंड ईयर एज या फिर 2 प्लस 12 दैट इज 14, 12 हाँ या फिर 14 प्लस 12 दैट इज 26। तो हाँ 26 साल की उम्र में मार्स अगर तुम्हारा सेकेंड हाउस में है या केतु सेकेंड हाउस में है तो तुम्हें दांतों का प्रॉब्लम आने वाला है, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। दांत का प्रॉब्लम नहीं आ रहा है तो तुमको सोचना पड़ेगा कि यार मेरा मार्स है भी कि नहीं वहां पे, ठीक है। 26 हो गया, 26 प्लस 12 कर दो तो कितना हो जाएगा, 8, 38, तो 38 की उम्र में आएगा, ठीक है। या फिर आप मेरे जी कुछ बोल रहे हो क्या? सर, मार्क्स तो सेकंड हाउस में ही है लेकिन ऐसा टचवुड दांतों का कोई प्रॉब्लम तो आया नहीं है। हाँ, तो फिर मार्स मतलब कहीं ना कहीं मूव कर रहा है, या तो थर्ड हाउस में मूव कर जा रहा है, उसका डिग्री ऐसा है कि या तो थर्ड हाउस में आ जा रहा है या लगन में आ जा रहा है, ठीक है। इसका क्योंकि क्या होता है ना, ऐसा केस तब होता है जब जैसे आपको कैंसर लगन हो, लेकिन कैंसर लगन है मान लो 26 डिग्री का, ठीक है, 26 डिग्री का हो तो क्या हो रहा है कि, और जो जैसे कैंसर बना दिया मैंने 26 डिग्रीज का, क्योंकि 0 से 30 होता है ना पूरा स्पैन, यह है तो 26 डिग्री का लगन है, तो और मार्स बैठा है लाइक 2 डिग्री का, तो 2 डिग्री का है, जब हम 26 लगन पे आ गए तो जो लगन बनता है, जो फर्स्ट हाउस आपका क्रिएट होता है, वो ऐसा होता है कि जो भी आपका लगन का डिग्री है, ठीक है, आपका लगन का डिग्री 26 है, तो 26 प्लस 15 एंड 26 माइनस 15,
विल बी द स्पैन ऑफ दिस होल से, ठीक है। तो 26 डिग्री ये सेंटर पॉइंट हो गया, प्लस 15 करेंगे तो इधर चले जाएंगे, तो यहाँ पे हो सकता है कैंसर ही दिख रहा हो, लेकिन प्लस 15 करते क्या होगा, 26 प्लस 15 कर दोगे तो ये बाहर चला जाएगा, 30 के बाहर हो जाएगा, तो इट विल बी 30 प्लस एक्स्ट्रा कितना 12, तो ये 12 डिग्री जो है ना और लियो का ले रहा है, तो लगन सिर्फ कैंसर का नहीं रह गया, इट इज अ मिक्सचर टू का हो गया, ठीक है। तो ऐसे केस सिनेरियोज में आपको क्या मिलेगा कि हो सकता है कि मंगल दिख तो रहा हो सेकेंड हाउस में, बट ओरिजिनली वो फर्स्ट हाउस में आ गया है, ठीक है। अब यही चीज हम मेरे स्पाउस के चार्ट में वैसे थर्ड हाउस मार्स दिखता है, बट हाँ, ऑल दीज एजेस उनके दांतों में प्रॉब्लम हमेशा से रही है, तो इसका तो मतलब सेकंड कि सेकेंड हाउस में हाउस में मार्स मूव है, कर गया। मूव है, वो वहां पे मूव हो रहा है, तो दैट इज वाई मार्स, जब मार्स सेकेंड हाउस में बिना प्रॉब्लम कैसे नहीं दे, ठीक है। अच्छा एक और चीज मैं ये चीज बताऊं कि देखो मार्स ना ये नहीं कहता कि मैं मारूंगा ही या मैं कष्ट दूंगा ही दूंगा, मार्स सेकेंड हाउस में दांतों से रिलेटेड तभी इफेक्ट करता है जब एक्चुअली में आप फूड डोनेशन अगर करते रहो, लाइक ना खाने का दान करते रहो, अपने छोटे भाई बहनों का टेक केयर करते रहो, तो आपको दांतों का दर्द नहीं होगा, ठीक हो है, सकता है सर। क्योंकि कर्म से रिलेटेड है मार्स। मार्स ये थोड़ी ना कहता है कि बस मैं बैठ गया हूं कष्ट दूंगा ही दूंगा, इट इज कि अगर आप कर्म कर रहे हो तो फिर मैं आपको नहीं परेशान करूंगा, दैट इज हाउ मार्स इज, क्योंकि कर्म के क्षेत्र में ऐसा है कि अगर आप कर रहे हो देर विल बी नो इश्यूज टू योर हेल्थ, नो इश्यूज टू योर बॉडी, अगर आप नहीं कर रहे हो देन देर विल बी इश्यूज, बिकॉज फिर भगवान कहते हैं कि तुम्हारे फिर शरीर का देने का मतलब क्या हुआ, तुमको क्या जरूरत फिर इस शरीर का, दैट्स हाउ कर्म का लॉजिक चलता है, ठीक है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, तो इसीलिए कई बार मैं देखता हूँ ना कि कई बार मैंने देखा कि बहुत बुरे बुरे कॉम्बिनेशन हैं, ठीक है, बहुत बुरे कॉम्बिनेशन है, मतलब शनि का इफेक्ट है, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, फिर देख रहा हूँ कि इसकी लाइफ बहुत बढ़िया है, फिर मैं उससे पूछता हूँ कि तुम ये करते हो क्या, बोले हाँ ये करते हैं, फिर बोले ये अच्छा यहाँ पे सेवा करते हो क्या, बोले हाँ यहाँ पे भी सेवा करते हैं, तो मैं कहा अच्छा तब ठीक है, तो फिर तुम्हारा है प्लैनेट वहीं पे लेकिन अच्छा काम कर रहा है क्योंकि तुमने वो चीज़ ठीक कर्म के द्वारा वो ठीक कर रखी है। तो मतलब सर, और मार्स का कर्म डिसाइड होता है उसके फोर्थ हाउस पे, राइट? सिर्फ फोर्थ हाउस से नहीं है, मार्स का कर्म एक लाइन का नहीं है, ऐसा किसी भी का प्लैनेट का कर्म एक लाइन में नहीं बोलते, मार्स का सेकेंड हाउस में कर्म है भाई या बहन का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, बस इतना कर्म है सिर्फ सेकेंड हाउस से रिलेटेड, तो सेकेंड हाउस में वो आपको कोई इश्यू नहीं देगा, ठीक है। मार्स सेकेंड हाउस में फैमिली को लीड करता है ना, मतलब फैमिली, हाँ पूरी फैमिली का टेक केयर करता है, फैमिली का तो टेक केयर सबसे करता छोटा है, होते हुए भी लो सबसे बड़ा, रिस्पॉन्सिबल होता हाँ सबसे रिस्पॉन्सिबल बंदा कोई है अगर तो वो मार्स सेकेंड हाउस है, जो सबके खाने की जिम्मेदारी ले, जो सबके टेक केयर करे, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक केयर करे, दैट इज मार्स सेकेंड हाउस, ठीक है। दैट्स हाउ अगर ये करता रहता है ऐसा व्यक्ति तो उसको कोई इश्यू नहीं आता है, और यही छोड़ दे बोले मेरे को करना ही नहीं है, ठीक है, लड़ाई कर ले, फैमिली में झगड़ा करे जा करके, क्योंकि सेकेंड हाउस का मार्स फैमिली में बहुत झगड़े कराता है, फैमिली में झगड़ा होता है, लेकिन ये उसको प्रोटेक्ट कर ले, बचा ले, चीज़ें ना होने दे, झगड़ा ना करे, तो फिर ऐसा व्यक्ति को धन संपदा के रूप में बहुत कुछ अच्छा मिलता है, वही सेकेंड हाउस क्योंकि वेल्थ का भी है, फिर पैसे रुपए के मामले में ऐसा व्यक्ति उन्नति करता ही जाता है, क्लियर है। तो इस तरीके से तुमने क्या-क्या सीख लिया, तुमने ये देखा कि लगन पे बैठा हुआ प्लैनेट किस प्रकार से तुम्हारे बॉडी को इफेक्ट करता है, बॉडी फीचर क्या बनाता है, सेकेंड हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट किस प्रकार से तुम्हारे शरीर को इफेक्ट करता है, कौन आंखों का करेगा, कौन दांतों का करेगा, किस प्रकार का फेशियल फीचर देखेगा, ठीक है, शक्ल कैसी होएगी, आंखें कैसी होएंगी, वीनस होएगा लगन पे तो आंखें सुंदर होएंगी लेकिन काम नहीं करती है, सेकेंड हाउस में होगा तो भी वीनस आंखें अच्छी देता है, ठीक है, लेकिन काम नहीं करती है, ठीक है। जो एक चीज और भी देखी मैंने कि चलो ये बात नहीं,
सेकंड हाउस ना, सेकंड हाउस अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपब्रिंगिंग का है, ठीक है, ध्यान से सुनो। केतु बहुत बोल रहा है, हाँ सॉरी, केतु ने परेशान कर रखा है। हाँ मैं क्या बोलूं, अभी ये लोग लड़ रहे हैं, रुक जाओ, हो सकता है शायद शांत हो जाए। शांत हो गए, नहीं कर दो ये तो महाराज, शांत हो जाओ। ठीक है, तो टॉरस जो सेकंड हाउस है ना, वो अर्ली अपब्रिंगिंग बताता है। अर्ली अपब्रिंगिंग मतलब कि व्यक्ति जब पैदा हुआ उसके बाद उसको क्या रिसोर्सेस अवेलेबल थे, कैसे रिसोर्सेस अवेलेबल थे, क्या वो चांदी के चम्मच में खाना खाता था कि वो उसको खाने के लिए ही लाले पड़े। क्लियर है? सेकेंड हाउस से आप ये देख सकते हो कि किसी व्यक्ति को एज अ प्रारंभिक जीवन में कितना स्ट्रगल मिला, रिसोर्सेस थे कि नहीं, घर वालों के पास पैसा था कि नहीं, कि वो प्रोवाइड करा पा रहे थे कि नहीं, कितना सुख था कितना दुख था। तो ये चीज आप देख सकते हो किससे, सेकेंड हाउस से। तो जैसे किसी का सेकेंड हाउस में सैटर्न हो, ठीक है, सेकेंड हाउस में सैटर्न हो तो ये बताता है कि जब आपने जन्म लिया तो आपकी पारिवारिक जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी बहुत कमजोर थी, पिता को बहुत सारा लिखना संघर्ष करना पड़ रहा था धन एकत्रित करने में, ये बताता है। ये सेकेंड हाउस का सैटर्न ये बताता है कि कई कई बार आपने खाने को भी सोर्स नहीं बचा था, रिसोर्स नहीं था, बहुत दरिद्रता थी, गरीबी थी, ठीक है, किसी तरीके से आपने संघर्ष करके उसको आगे बढ़ते गए, चीजें मिलती गई धीरे धीरे, फिर आपने उसको ओवरकम किया, ठीक है। अब आप अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन सेकेंड हाउस का सैटर्न हो तो ऐसा व्यक्ति अच्छा पैसा कमाता है, लेकिन लेटर ऑन द एज जब वो क्योंकि स्टार्टिंग में उसको चीजें नहीं मिलती हैं, और बाद में जा करके कहीं ना कहीं वो अच्छा पैसा फिर खुद अपने संघर्ष को एज अ बेंचमार्क बना करके फिर वो किसी भी ऑफिस का, किसी भी बड़ी कंपनी का वो एक मैनेजर बनता है, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनता है, ठीक है। फिर किसी का मान लो मार्स हो, ठीक है, मार्स हो केतु हो, तब भी ये बताता है कि अर्ली ऑन अपब्रिंगिंग में फैमिली में कहीं ना कहीं रिसोर्सेस की कमी थी, चीजें कम थी, फैमिली में लड़ाई झगड़ा का सिचुएशन था, फाइट्स है ना, मार्स फाइट्स को रिप्रेजेंट करता है, फैमिली में कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े का इशू था, रिसोर्सेस कम होते हुए भी आपने संघर्ष कर करके चीजें कर करके किसी तरीके से उसको आप बड़ा किया, ठीक है, चीजों को बढ़ाते गए। अब यही कोई अच्छे प्लैनेट हो, मान लो मून हो, तो हो सकता है शायद दूसरों के लिए सिचुएशन अलग हो, लेकिन जब आप पैदा हुए ना तो आपके मुंह में घी शक्कर थे, आपके मुंह में बढ़िया दूध दही, आपको सेवन भोजन अच्छा मिलता हो सकता है। दूसरे भाई बहन के चार्ट में अगर डिफरेंट सिचुएशन है तो उनके जन्म के पश्चात चीजें प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, लेकिन आपके लिए चीजें अच्छी रहेंगी। ये तब भी सेम होगा जब अगर आपका कैंसर है वहां पे, ये तब भी सेम होगा जब आपका कैंसर है वहां पे, बिल्कुल। तो रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है, आपके सिचुएशन में रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे अगर आपका सेकेंड हाउस अच्छा है तो, ठीक है। सेकेंड हाउस में बेनिफिट्स हैं, जुपिटर हो, जुपिटर सेकेंड हाउस में हो तो क्या होता है, परिवार बड़ा होता है ऐसे व्यक्ति का, तो तुमको जो जॉइंट फैमिली मिलेंगी ना, जिनके कंसल्टेशन तुम जॉइंट फैमिली करोगे, उनके केसेस तुम देखोगे कि इनका परिवार चाचा दाऊद सब एक इकट्ठे रह रहे हैं, आज भी इकट्ठे रह रहे हैं, ठीक है, जॉइंट फैमिली का कॉम्बिनेशन है। जुपिटर क्या करता है, बड़ा करता है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति की क्या है जुपिटर सेकेंड हाउस में, कि रिसोर्सेस तो मिलेंगे साथ ही साथ, लेकिन भीड़ भी मिलेगी, परिवार वाले लोग भी मिलेंगे काफी सारे, ठीक है, रिसोर्सेस की कमी नहीं देगा जुपिटर। वीनस, मून, मकरी, ये सब अच्छा रिसोर्स देंगे, अच्छा ब्रिंगिंग देंगे, ठीक है, और
सैटर्न है, राहु, देखो राहु का डिपेंड करेगा कि साथ में कौन है, केतु का भी डिपेंड करेगा कि साथ में कौन है, किस साइन में है। अगर मान लो मून राहु के साथ में हो जाए और तब सेकेंड हाउस में, तब तो अच्छा वेल्थ देगा, तब तो बहुत अच्छा पैसा देगा, तब तो बहुत अच्छा कहते हैं फैमिली इन्वायरमेंट देगा। बट यही मून, यही राहु मार्स के साथ में हो जाए तो पैसों की और तंगी करता है, फिर एक्सट्रीम लेवल पे तंगी करता है। केतु हो जाए तो एक्सट्रीम लेवल पे तंगी करता है, ठीक है, इस तरह से वो वेरिएशन आता है। ठीक है, केतु हो सेकेंड हाउस में, केतु हो तो जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिलेगा। मतलब कि आप एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि मेरे को 10 रुपए मिलेंगे, तो हो सकता है 8 ही मिले, कम मिलेगा। ठीक है, जितना जरूरत होगा उससे थोड़ा सा कम मिलता है, ठीक है, केतु सेकेंड हाउस में। ठीक है, तो लाइक आप चाह रहे थे कि आपको लाइक ना 1,000 रुपये मंथली मिल जाए, तो आपको 900 रुपये ही मिलने वाले हैं। वो थोड़ा कम करके देते हैं, थोड़ा कम करके रिसोर्स मिलता है, चीजें पूरी जरूरत नहीं हो पाती, कम में ही गुजारा मिलता है। ठीक है, इसमें अगर वो सेवा करे किसी की तो शायद ये सॉर्ट हो जाएगा। ये थोड़े टाइम, क्योंकि अर्ली ऑन सेवा की बात नहीं आती ना, ये तो हम कब की बात कर रहे हैं, ये हम जब जब तक व्यक्ति खुद से कमाने लग जाए तब तक के पहले की बात कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, तब तक जनरली पढ़ाई में इन्वॉल्व रहता है ऐसा व्यक्ति, अपने एजुकेशन में इन्वॉल्व रहता है, तो सेवा वाला पार्ट तो देखो तभी आता है जब आदमी थोड़ा संपन्न हो जाए, चीजें करने लग जाए, अपने से इंडिपेंडेंट हो जाए, तब की बात है ना। हम इंडिपेंडेंट होने के पहले की बात कर रहे हैं कि ये कैसा फील करता है कोई व्यक्ति। जैसे मैंने एक बार ना, एक लेडी थी, सैटर्न सेकेंड हाउस में था, सैटर्न इन इन साइन ऑफ जेमिनाई था, नहीं, जेमिनाई तो नीचे था, स्कॉर्पियो लग्ना, सैजिटेरियस में सैटर्न था और जुपिटर जेमिनाई में था। तो मैं चार्ट बना देता हूँ, तुम लोग को देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। सेकेंड हाउस में। स्कॉर्पियो लग्ना था, सेकेंड हाउस में जुपिटर, सॉरी सेकेंड हाउस में सैटर्न है, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, और 9, 8 हाउस में जुपिटर है। तो देर इज अ लाइक ना डायरेक्ट दृष्टि, एक दूसरे को ये लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरे को बताता है कुछ चीज कि इसको पता है क्या लगता था ऐसे व्यक्ति को, इसके घर में पैसों की कमी थी, ऑब्वियसली थी, लेकिन इसको ऐसा लगा कि इसके भाई बहनों को ज्यादा चीजें मिलती थी कंपेयर टू ये लैग करी, मतलब इसको लगा कि मेरे को चीजें कम मिली या मेरे को रिसोर्सेस कम मिले, कारण था भाई बहन, क्योंकि वो भाई बहन को दे दिया जाता था, छोटे भाई बहनों को रिसोर्सेस ज्यादा दे दिए जाते थे, इसका हाँ मतलब मुंह करने वाले का ध्यान नहीं रखा जाता था, इसके मुंह करने वाले से छीन करके छोटे भाई बहनों को दे दिया जाता था। तो अगर सैटर्न नहीं भी होगा तभी और ये तुम फील जब होगा देखते उसको। हो कि यहाँ पे जो सेकेंड हाउस में सैटर्न है, आवाज नहीं आ रही। हेलो, आई थिंक सर का बैटरी काफी टाइम से लो दिखा रहा था। आवाज नहीं आ रही। तो पहले क्यों नहीं बताया? सर का स्क्रीन आई थॉट सर को दिख रहा होगा। प्लीज देखो हुस्ना, ये केतु की वजह से है, वो डार्क कर रहे थे ना इतना ज्यादा। ठीक है, तो इस वजह से ऐसे व्यक्ति को फील होता है। तो मतलब कौन फील करेगा कि उसके जीवन में चीजें नहीं मिली या उसको कम मिली, वो तुमको देखोगे, या तो सैटर्न उसको सेकेंड हाउस में मिलेगा या केतु उसको सेकेंड हाउस में मिलेगा। उस सैटर्न वाले को भी लगता है कि मेरे को चीजें कम मिली या रिसोर्सेस कम मिले या गरीबी थी, चीजें नहीं थी अवेलेबल। केतु वाले को लगता है कि मिल सकता था लेकिन कम दिया,
ठीक है, चीजें कम मिली, 100 चाहिए था 99 मिला, या 100 चाहिए, जरूरत 100 की थी, जरूरत है, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि जरूरत की बात आ जाती है यहाँ पे, सो रिसोर्सेज इन द सेंस लग्जरी की नहीं, मून वीनस ये लोग लग्जूरियस देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से सेकेंड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स आप, अगर हाँ अगर सेकेंड हाउस में सैटर्न के साथ मून हो गए तो हाँ ठीक है, सैटर्न का इफेक्ट अलग हो जाएगा, नहीं बिकॉज सैटर्न बड़ा दो प्लैनेट प्लैनेट है, सैटर्न जुपिटर लोग बड़े प्लैनेट्स हैं, ठीक है, में दीज हाँ आर तो आउटर प्लैनेट, मून मून साथ में बैठा है। मून साथ में बैठे, ठीक है। अब ऐसे में क्या आएगा कि रिसोर्सेस होंगे, ठीक है, कम ज्यादा होता रहेगा। लेकिन कम ज्यादा होएगा, सैटर्न का इफेक्ट आएगा और चला भी जाएगा, मतलब ऐसे व्यक्ति को लगेगा कि अरे अब उसको तनाव होगा, मतलब मैं बता रहा हूँ 6 महीने के लिए ना उसको लगेगा यार पैसे बिल्कुल नहीं है, पैसे बिल्कुल नहीं, फिर 6 महीने बाद ठीक हो जाएगा, फिर लगेगा ठीक है अभी आ गए, लेकिन वो फील होगा, फीलिंग आ जाएगी कि यार कमी थी लेकिन फिर निकल गए, मतलब वो रिसोर्स की कमी लग रही थी लेकिन एंड लास्ट मोमेंट में कुछ हो गया और पैसे मिल गए। हाँ, तो जरूरत एट एंड मोमेंट कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, या फिर आप कुछ कटौती कर लिया और बैलेंस हो गया, तो वो मून मून और सैटर्न ना इस तरह से वो पिंग पोंग खेल रहे हैं कि दे तो रहा है, स्ट्रेस दे रहा है, पैसों के लेकर के चिंताएं दे रहा है, क्योंकि मून सैटर्न जो है ना चिंताएं देता है, व्यक्ति सोचता रहता है उसी बारे में कि यार पैसे कहाँ से आएंगे, कहाँ से जुगाड़ होगा, चीजें करूंगा, तो वो रहता है, लेकिन एंड मोमेंट पे कोई ना कोई हेल्प आ जाती है, कोई मदद आ जाती है, किसी मित्र से द्वारा हो जाता है काम। सैटर्न सेकेंड हाउस में कर्ज से भी पैसे इकट्ठा होते हैं, ठीक है, लेने से, तो ऐसे नौबत ना आए कि कर्ज लेना पड़ जाए। मैं बहुत सारे सेकेंड हाउस सैटर्न से मिला हूं, और एग्जैक्टली सेम आप जो कॉम्बिनेशन बोले ना सैटर्न मून, अब इसका इसका स्टोरी बताता हूं मैं, मेरा दोस्त है, देखो स्टोरी, मकर लग्न, दस, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये मेरा दोस्त का चार्ट है, ही हैज सैटर्न मून इन सेकेंड हाउस, ठीक है, सैटर्न मून, इतनी इतनी जानकारी चाहिए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। अब देखो स्टोरी क्या हुई, स्टोरी ये हुई कि अभी करंट की सिचुएशन क्या थी, कुछ कुछ साल पहले क्या हो रहा था, देर इज अ ट्रांजिट हैपनिंग, ठीक है, थोड़ा सा एड ऑन करके बता रहा हूँ ताकि तुमको कंटेक्स्ट क्लियर है। सैटर्न जो है ना अभी मकर राशि में था, है ना, अभी जनवरी, अभी आज कितना हो गया, आज तो अभी 8 ही है, कुछ दिन बाद अभी 19 तारीख के बाद से सैटर्न जो है ना वो अक्वेरियस में चला जाएगा, मतलब करंट की बात बता रहा हूँ, ये जब बर्थ टाइम का चार्ट बना हुआ है तब की बात है। इस बच्चे का नेचुरली सेकंड हाउस में सैटर्न और मून का कॉम्बिनेशन है, और जो साइन है, साइन देखो किसका है, 11 नंबर लिखा है ना, 11 नंबर किसका साइन होता है, अर्निंग का होता है, अच्छा ठीक है, पैसों का, मतलब बोलना के पैसे का भी साइन है। तो इस व्यक्ति के क्या हुआ कि पिताजी बीमार हो गए और पिताजी डायलिसिस में चले गए, ठीक है, और इस तरीके से डायलिसिस में गए कि भैया लाखों लाख रुपए हर महीने लगने लग गए सिर्फ और सिर्फ हेल्थ ट्रीटमेंट में, ठीक है, और ये व्यक्ति हॉस्पिटल के चक्कर ही चक्कर काट रहा है, ठीक है, चक्कर ही चक्कर काट रहा है, पैसों पैसे की इतनी तंगी देख ली 6 महीने के अंतराल में, बंदा सरकारी गवर्नमेंट LIC में काम करता है, ठीक है, सोचा था कि गवर्नमेंट नौकरी हो जाएगी तो पैसों की कभी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हालात और प्रकृति आपसे क्या करवाए ये आपको भी मालूम नहीं। सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन इस व्यक्ति को पैसों के रिगार्डिंग में इतनी तंगी या देखने को दिया कि व्यक्ति को बहुत सारा कर्ज लेना पड़ गया दूसरों से, और कर्ज लेकर के इस व्यक्ति ने अपने पिताजी का इलाज कराया, ये राहु का भी इफेक्ट आया होगा इसमें, नंबर 11 होने की वजह से। कह सकते हो, लेकिन मोर फाइनेंशियली वो इफेक्ट है जो सैटर्न का पार्ट है ना, मैं वो कवर करना चाहता हूँ, सैटर्न मून का पार्ट कवर कर देता है कि वो स्ट्रेस दे देता है, ऐसी हालात क्रिएट कर देता है कि आप बहुत स्ट्रेस हो जाओगे फाइनेंशियली। तो अब क्या हो रहा है, अब क्योंकि ये तो हो गया ना, एक इवेंट आ गया, तुमने कर्ज ले लिया, बात खत्म, सैटर्न सेकेंड हाउस में होगा तो वो इतना सोचेगा नहीं, वो ले लेगा, बस कर्ज ले लेगा,
लेकिन सैटर्न मून की वजह से क्या होगा कि वो कंटिन्यूसली कर्ज के बारे में सोचता रहेगा कि कैसे चुकाऊं, कैसे दूं, क्या करूं, पैसा कहाँ से आएगा। अब वो 3 साल 4 साल कंटिन्यूसली उस स्टेट में कि वो सोचता रहता है कि कैसे पैसा चुकाऊं, कितना बोझ है मेरे ऊपर, कर्ज का है, मैं कैसे करूंगा, लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये सब सोचना चलता है। ठीक है, तो वो टेंशन देना, मानसिक टेंशन देना, वो सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन बना रहा है। क्लियर है कि ये सैटर्न मून कैसे काम कर रहा है? तो पैसों पैसे कर्ज से आ तो गए, सिचुएशन भी हैंडल हो गई, फाइनेंशियली जो इश्यूज थे, लेकिन वो कंटिन्यूस अब स्ट्रेस के रूप में बने हुए हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस क्रिएट कर देता है सैटर्न मून के साथ में। तो इस भांति अब मैं तुम्हें कुछ एक ऐसा सूत्र बताता हूं जिससे तुम अपने फाइनेंशियल सिचुएशन जब खराब होने वाली है या अच्छी होने वाली है इसके बारे में तुम जान लो, और तुम पीछे उठा करके देख भी सकते हो कि तुम्हारी फाइनेंशियल सिचुएशन कब खराब थी और कब तुम्हारी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी थी। ठीक है, रेडी? जानना चाहेंगे कि नहीं? यस और नो? वेरी रेडी सर। वेरी रेडी ना? हाँ, एक्साइटेड यस होना चाहिए। देखो, अब दिस हैज टू डू विथ बोथ। अगर तुम्हारे चार्ट में नैसर्गिक सैटर्न है कहीं पोजीशन, मतलब नैसर्गिक तुम्हारा समझ लो कि नेचुरली तुम्हारा सेकंड हाउस में प्रॉब्लम है, ठीक है, या समझ लो कि कब तुम ये जानना चाहोगे कब तुम्हें एकदम पैसों का लगेगा कि मुझे पैसे चाहिए और मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, तो मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, वो वाली सिचुएशन कब आने वाली है आपकी लाइफ में, ऐसा आप जान ले। देखो, इसमें काम करता है सैटर्न का ट्रांजिट। अब ट्रांजिट क्या होता है, किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं ना? ट्रांजिट मतलब अभी करंट में सैटर्न का पोजीशन क्या है। ये जो तुम बॉक्स देख रहे हो, ये जो डब्बा तुम देख रहे हो, ये तब की बात है जब तुम पैदा हुए थे। तो यहां पे वो प्लेसमेंट बनी हुई है जो तुम जब पैदा हुए थे तब की प्लेसमेंट क्या है, और करंट में जो चल रहा है। जैसे कि मैं तुमको थोड़ा सा इससे बाहर लेके आ जाता हूँ, जैसे कि ये जो चार्ट है जो 8 जनवरी 2023 का बना, 12:15 हो रहा है, इलाहाबाद का मैंने प्लेस लगा रखा है। तो ये जो पोजीशन है ना जो तुम चार्ट में देख रहे हो, ये सब करेंट की पोजीशन है, अभी की पोजीशन है। ठीक है, अभी हालात क्या हैं, प्लैनेट्स कहाँ चल रहे हैं, वो तुम देख रहे हो। ठीक, ये सिंपल सा फंडा है। और जब हम इसी में डेट चेंज करेंगे, पीछे जाएंगे, तो जो चार्ट बन के आया, जो तुम्हारे हाथ में तुम्हारी खुद की कुंडली है, जब तुम्हारा जन्म तिथि डालेंगे, डेट डालेंगे, वो तुम्हारा बर्थ टाइम का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, जब वो तुम्हारे लिए बहुत सुटेबल है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें एक टेक्निक है ओवरलैपिंग की, कि हमें दोनों को मिला देनी है और देखना है कि अभी सिचुएशन क्या चल रही है। कर सकते हैं? मतलब कि ऐसे सर, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। अभी तो मैंने बताया नहीं, कंफ्यूजन कहाँ से हो गया? नो, आप वो बोल रहे हो ओवरलैपिंग करने, पर इस हाँ सिचुएशन कैसे पता करना है? हाँ बता रहा हूँ ना, अभी ओवरलैपिंग करने का कहाँ दिखाया मैंने, दिखाता हूँ रुको, उसके बाद डाउट रहे तब पूछना। ये ट्रांजिट सिखा रहा हूं मैं, ठीक है, ट्रांजिट कैसे देखना है। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं कि आपका लाइक ना नेचुरली जो सैटर्न है कहाँ रखूं, कोई एग्जाम्पल बताओ, कोई बोलो कि कहाँ रख दो सैटर्न को नेचुरली। नेक्स्ट हाउस में सर, सिक्स हाउस में रख दूं? ठीक है, सिक्स हाउस में सैटर्न रख दिया मैंने। ये तुम्हारा बर्थ चार्ट है, ठीक है, ये तुम्हारे बर्थ चार्ट का सैटर्न का प्लेसमेंट है यहीं पे। तो अभी नेचुरल सैटर्न मतलब आज के डेट में जो सैटर्न तुमने देखा वो कहाँ पे था, केप्रिकॉन में था। ठीक है, तो आज का जो चार्ट बनाया हमने वो हम कैसा बना लेंगे, सेम लगन वाला बना लेंगे। ठीक है, सेम लगन वाले का मतलब कि जो भी तुम्हारा लगन है सेम ही बनाना, मतलब अलग मत बनाना, जो तुम जिसका तुम देखना चाह रहे हो वैसा ही लगन बना लेना। 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
नौ, ठीक है। तो अब हम आज की तारीख में देख रहे हैं कि सैटर्न कहाँ पे, सैटर्न आज की तारीख में कैप्रिकॉन में, ठीक है। तो सैटर्न कैप्रिकॉन में को शुक्र के साथ बैठा हुआ, राइट? एम आई राइट? कैप्रिकॉन में शुक्र वीनस के साथ बैठा हुआ। वीनस के साथ बैठा है, लेकिन ठीक है, वीनस भी आप डालना चाहो तो वीनस भी डाल दो, ठीक नहीं है। नहीं आई एम जस्ट एस सेइंग, एम आई राइट इन रीडिंग? एम आई राइट हाँ, इन रीडिंग? मैं देख लेता हूँ, मैं देखा नहीं। वीनस के साथ है अभी, देन ठीक है, वीनस के साथ में है सैटर्न ना। 29 डिग्रीज पे है। ठीक ठीक 17th को एंटर कर रहा है ना 11th हाउस, हम 11th हाउस क्यों नहीं मान लेते? हाँ सैटर्न 29 29 डिग्री। ठीक है, करने दो, बट मैं अभी करंट में जो चल रहा है बस वही दिखाना चाहता हूँ। तो इसका मतलब आप देखो, ये एक चार्ट हो गया तुम्हारा बर्थ वाला, एक चार्ट हो गया करंट वाला, और दोनों में तुम सैटर्न से कुछ प्रिडिक्शन करने, तुम सैटर्न का ट्रांजिट बताना चाहते हो ना। तो तुम ये सैटर्न को फील करो कि ये ओवरलैप्ड है, मतलब इसके ऊपर बैठा हुआ है। इट इज लाइक कि तुम्हारे लगन से ट्रांजिट कर रहा है, मैं ऐसा बोलूंगा कि तुम्हारे लगन से सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है, ठीक है। तो अभी सैटर्न सेकंड लगन से जब ट्रांजिट करेगा, तो सैटर्न जिस जिस भी हाउस में तुम्हारे से जाएगा ना, वो वहां वहां पे तुम्हें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देगा, कष्ट देगा, या फिर स्केयरसिटी क्रिएट करेगा। ये सैटर्न के ट्रांजिट का रूल है कि सैटर्न जो है ना थोड़ा सा कोल्ड हार्श प्लैनेट है, वो सबक सिखाना चाहता है तुमको, उसका वैल्यू सिखाना चाहता है तुमको। तो वो वैल्यू सिखाने के लिए जहां वो जाएगा, जहां पे भी वो ट्रांजिट करेगा, तो करेंटली तो इस चार्ट जो बर्थ चार्ट है उसमें हमने ये जो करंट चार्ट है उसी का सैटर्न ऐसे फील करा दिया। ये मतलब है नहीं, बस हम उसको फील करा रहे हैं कि यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे काम कर रहा है। तो क्या होगा, सैटर्न जब लगन पे जाएगा तो ऐसे व्यक्ति को क्या करेगा, कंटिन्यूसली मेहनत कराएगा, कंटिन्यूसली वर्क देगा, कंटिन्यूसली कोई ऐसे सिचुएशन में डालेगा जहां पे बहुत सारा शारीरिक श्रम करने का है। तो ऐसा व्यक्ति फिर क्या करता है, फिर अपने टाइम का वैल्यू करने लगता है, अपने मेहनत का वैल्यू करने लगता है, ठीक है। तो जब 2.5 साल रहेंगे तो ऐसा व्यक्ति को कैसी सिचुएशन आने वाली है, लगन पे ट्रांजिट करने की वजह से ऐसी सिचुएशन आने वाली है जहां पे ऐसा व्यक्ति को हेल्थ रिलेटेड कुछ हो सकता है इश्यू आए, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति कुछ ना कुछ अपने सेहत का ध्यान करना शुरू कर दे, क्योंकि सेहत को कई लोग वैल्यू नहीं करते ना, सोचते कि ठीक है खा लो, सब कुछ कर लो, कहीं पे भी कैसे कर लो। तो सैटर्न आएगा ना लगन पे तो बोलेगा कि अभी सिखाता हूँ मैं तेरे को, रुक जा, मैं तेरे को अपना हेल्थ का वैल्यू करना सिखाता हूँ, ठीक है। 12th हाउस में सैटर्न जाएगा, ट्रांजिट कर रहा होगा, मतलब जाएगा नहीं ट्रांजिट कर, तो ऐसा व्यक्ति ना अपने खर्चे कम कर देता है, खर्चे कम कर देगा, बोलेगा ज्यादा खर्चे नहीं करने का, व्यय नहीं करने का, चीजें नहीं करने का, ठीक है। वैसी चीजें उस चीज का वैल्यू कराता है, ठीक है, 12th हाउस से रिलेटेड चीजों का वैल्यू कराएगा, ठीक है। 11th हाउस में जाएगा तो क्या होगा, 11th हाउस में ट्रांजिट कर जाए सैटर्न, तो आप देखोगे कि आपको फाइनेंशियली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें कम मिल रही हैं, अगर आप बिजनेस में हैं और आपका 11th हाउस में सैटर्न ट्रांजिट हो रहा है, नैसर्गिक नहीं बोल रहा हूं मैं, ट्रांजिट हो रहा है, कि आपका जो आपने अपना लगन बना लिया और देख लिया कि नेचुरली कहाँ पे है। तो मतलब ट्रांजिट का मतलब कि ऐसा समझो कि किनके 11th हाउस में भी ट्रांजिट हो रहा होगा, इनके हो रहा होगा, 10 नंबर जिनका यहाँ पे होगा, 11 12, तो पाइसिन वालों के 11th हाउस में ट्रांजिट हो रहा होगा सैटर्न का, ठीक है, इनका ट्रांजिट चल रहा है। तो ये ट्रांजिट की वजह से क्या होगा, इनको फाइनेंशियली ऐसा लगेगा कि मेरे को कम पैसे मिल रहे हैं, मेरे को अर्निंग कम हो रही है, या फिर मेरे को कस्टमर कम आ रहे हैं, और इसकी वजह से मुझे मेरी जो पूंजी है उसमें जितना पैसा आना चाहिए था, जितनी सेविंग्स होनी चाहिए थी, वो सेविंग्स नहीं हो रही है मेरी, ऐसा फीलिंग होता है। अब यही लेकिन अगर ट्रांजिट किसके हो जाए, ऐसे लोगों के हो जाए कि 10 नंबर आपका अभी करंट की सिचुएशन में, 10 आपका लगन सैजिटेरियस हो जाए, सैटर्न यहाँ पे बैठ जाए, ट्रांजिट कर जाए, तो ऐसे व्यक्ति को फिर क्या होता है कि फाइनेंशियली जो सेविंग्स होती हैं वो कहीं ना कहीं कम होने लगती हैं। ऐसा व्यक्ति को लगता है कि उसकी फाइनेंशियल इनकम कम हो रही है या सेविंग्स कम हो रही हैं। घर की सिचुएशन, यानी कि घर में क्या होता है, कोई ना कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, सिचुएशन कैसी होती है मैं वो समझाना चाह रहा हूँ। सैटर्न जब सेकेंड हाउस में जाता है ना, तो फैमिली का कोई ना कोई मेंबर बीमार पड़ने लगता है, हेल्थ कुछ खराब हो जाती है, तो वैसे में आपको लगता है कि आप पैसे का कुछ इश्यू हो रहा है,
ठीक है, पैसे के रिगार्डिंग में कुछ हो सकता है इश्यूज आ जाए, तो आपको लगे कि आपको अभी यार पैसे बहुत जरूरी हो गए हैं लाइफ में, वो पैसों का वैल्यू सिखा देता है। और ये भी बता दो कि नेगेटिव ही हो ट्रांजिट, ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है, लेकिन सेकंड हाउस में सेकंड पैसे का वैल्यू जरूर सिखाता है। अब किन के केस में नेगेटिव होगा, किन के केस में पॉजिटिव हो जाएगा, यही सैटर्न सेकेंड हाउस में गुजरने पे तुमको बहुत सारा वेल्थ दे भी सकता है, बहुत सारा पैसा दे भी सकता है, केपेबल है पूरा देने का। जिन्होंने अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रखा, जिन्होंने अपनी काम का, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे केप्रिकॉन का साइन है ना, जिन्होंने अपने ऑफिस में अच्छे से काम किया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली, उनको यही सैटर्न पैसा तिगुना करके देगा। इट विल मल्टीप्लाई इन 3 टाइम्स 4 टाइम्स। जो अपनी जिम्मेदारियों से भागे नहीं कर्म के, कुछ लोग होते हैं ना कि इनको बोला कि था कि एक काम करना यार, रोज सुबह बस ना 6 बजे आकर के ऑफिस खोल देना, कुछ लोगों का काम दिया, ये लोग अरे कौन जाएगा 6 बजे, कौन उठता है, इन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज निग्लेक्ट कर दी। अब ये सैटर्न जब इनके केप्रिकॉन से गुजरेगा तो इनको पैसों की तंगी देगा, जॉब छुड़वा देगा, ठीक है, तो पैसों की तंगी आ जाएगी। तो इट्स नॉट ऑलवेज नेगेटिव, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि नेगेटिव सैटर्न करता है, बट इट्स ही इज कर्म कारक सैटर्न, ही ऑलवेज टेस्ट यू कि आपने क्या उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ढंग से ली, चीजें करी, और आपने ली, आपको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी और आपका प्रमोशन हो जाएगा, आपकी सैलरी ट्रिपल हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, दैट्स हाउ इट विल हैपन। और अगर, लेकिन आप समझिए कि अगर आप अभी कोई छोटा बच्चा है, मान लीजिए अभी कमाना शुरू नहीं किया, 24-25 साल की उम्र है, ठीक है, मतलब 25-24 की ऊपर की उम्र है, तब इसके सेकेंड हाउस में सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है, तब तो फॉर श्योर है कि अभी सैटर्न इसको पैसे का वैल्यू सिखाने आया है, ये सिखाने आया है कि पैसे ऐसे बर्बाद मत करो, इस तरह की पार्टियां मत करो, इस तरह से फूड वेस्ट मत करो, सैटर्न इसकी वैल्यू सिखाने आया है। तो ऐसे साल में ऐसा व्यक्ति बहुत ही क्या हो जाएगा, स्ट्रिंजी हो जाएगा, कंजूस हो जाएगा, खर्च करने से बिल्कुल कतराएगा। जैसे कि मेरी बहन है, उसका लगना, वो सेजिटेरियस लगना है, उसका नेचुरली केतु भी सेकेंड हाउस में है, जब से वो सैटर्न का ट्रांजिट होना शुरू हुआ है सेकेंड हाउस के अंदर में, वो मिर्ची तक फेंकने से मना कर देती है, बोलते टमाटर नहीं फेंकूंगी मैं टमाटर दूसरे को नहीं दूंगी, मेरे टमाटर खराब नहीं होना चाहिए। हर एक पैसों को लेकर के उसको वैल्यू सिखा दिया है सैटर्न ने, सेकेंड हाउस में जाने पे फूड से रिलेटेड वैल्यू सिखा दिया, एक एक पैसा खर्च करने से पहले वो 4 बार अब सोचती, क्योंकि सैटर्न सेकेंड हाउस में ट्रांजिट करते करते वो पैसों का वैल्यू सिखा के जाएगा तुमको, ठीक है। तो होल पर्पस ये मत समझना कभी कि सैटर्न है तो नेगेटिव ही है, वो नेगेटिव नहीं है, वो तुम्हारे कर्मों की वजह से नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि तुमने ध्यान नहीं दिया इसलिए तुमको सिखा रहा है आज वो, ठीक है। तो वेरियस पोजीशंस में वो तुमको डिफरेंट डिफरेंट चीजों की, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट में तुमको सिखाएगा, उस दिखाएगा कि इसकी वैल्यू करो, इसको खराब मत करो, इसको वेस्ट मत करो, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट, ओके ठीक है ना, ठीक है। सो किसी को मान लो कि किसी को सैटर्न अगर 6th हाउस में ट्रांजिट, जैसे अभी किसी का चार्ट था ना जेमिनाई, कौन बोल रहा था, जेमिनाई सैटर्न 6th हाउस में है, अभी ट्रांजिट भी मान लो 6th हाउस में हो रहा है, कि मतलब हम लोग कोई एक ऐसे साल में है जहां पे जेमिनाई में ही सैटर्न है, तो क्या करेगा ऐसे व्यक्ति को, अब लेबर नहीं मिलते हैं, कोई उसके अंडर में काम ही नहीं कर रहा है, उसको लेबर का वैल्यू सिखा देगा, लियो लगना। लियो लगना, हाँ बिल्कुल, कि बोले कि सर कोई लेबर ही नहीं टिक रहा है, सब भाग जाते हैं, सब 2-3 दिन काम करते हैं, 3 दिन काम करते हैं, या लेबर पैसे लेके भाग जाए, तो इसका मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं लेबर का पैसा मारा था, इस वजह से सैटर्न आया और आपको लेबर का वैल्यू सिखा दिया, कि अपने से छोटे लोगों का वैल्यू सिखा दिया उसने, 6th हाउस मामा को कष्ट दे रहा होगा, सैटर्न 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो मामा से रिलेटेड कष्ट देना, ठीक है, 6th हाउस से रिलेटेड चीजें देना, ठीक है, इस तरह से वो आपको सिखाते हुए आगे बढ़ता है।
अब क्या सिखाना बाकी रह गया? एक से मैं एजेंडा देख लूं मेरे स्कूल लीव। ठीक है, समझ में आया आई थिंक सबको। फाइनेंशियल बता दिया। अच्छा, जेमिनाई चालू करना है, टॉरस, एरीज। एरीज वो है जो जो वर्गो नहीं है। अब ये थोड़ा सा ना, थोड़ा सा बड़ा बात बताता हूँ, कुछ बड़ी बातें जैसे बताता हूँ। बड़ी बात कैसे? एरीज पे आते हैं, टॉरस हो गया। अभी टॉरस में इतना ही है, टॉरस में इतना ही। तुमने टॉरस में क्या क्या देख करके प्रिडिक्ट कर देना है? एक तो उसके चेहरे का लुक्स प्रेडिक्ट कर सकते हो, तुम उसकी आंखें के बारे में कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हो, तुम उसके दांतों के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हो, उसकी अर्ली अपब्रिंगिंग के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हो। फिर जिन्होंने वीडियो देखा होगा मेरा जो क्लास है, तो उसमें दादाजी का कर्म भी है। सेकेंड हाउस दादाजी का कर्म भी है, जो वीडियो में मैंने कहीं ना कहीं एक्सप्लेन किया है। वो जो क्लास तुम रिकॉर्डेड देख रहे होगे, उसमें दादाजी का कर्म भी सेकेंड हाउस से आता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड हाउस में तुमने फाइनेंशियल चीजें भी देख ली तुमने कि किसको क्या कैसा सर, सच। हाँ टॉरस सेकेंड हाउस है तो इसमें तो फिर बालों का और सुनने की भी क्षमता आएगी ना, बाल क्यों आएंगे और सुनने क्यों आएंगे? मतलब फेस फेस सेकेंड सेकेंड फेस आ, हाँ सेकंड आ, ओके। फेस इससे आया। हमने आई बोला, टीथ बोले, ठीक हाँ है, तो कान और बाल हाँ इसमें भी आएगा कान, कान कि थर्ड हाउस आएगा, कान हाँ सेकंड अच्छा हाउस थर्ड में हाउस में है। जाएगा, ठीक हाँ, है, और बाल फर्स्ट और हाउस है, एरीज ही है। ओके तो ठीक वो है, फेस में नहीं आता, फेस वो में मतलब फेस में जो नहीं ये आता। बस हाँ, ओके एकदम सामने वाला आता है बस। ठीक है, कान थर्ड हाउस आते हैं, बाल फर्स्ट हाउस आता है, एरीज। ठीक है, एरीज में मेलेफिक्स हो, सैटर्न हो, केतु हो, बालों को प्रॉब्लम देता है। ठीक है, अब मैं कुछ ऐसी चीजें बताने जा रहा हूँ कि जो लेखना जो काम आएंगी आपको समझने में और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में। लुक सॉरी, कनेक्शन कुछ अनस्टेबल चल रहा है, बट मैं ये बताने जा रहा हूँ कि जो जो एरीज है वो वर्गो नहीं है। इसका इससे अभिप्राय क्या है, इसका अर्थ क्या है, वो समझाना चाहता हूँ तुमको। तो मैं तुमको दो केस स्टडी के रूप में चीजें बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो एक तरफ मैं एरीज बना लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये ना, ये थोड़ा सा हाउस से देखने का प्रैक्टिस है, 12। ठीक है, फिर उसके बाद वर्गो बना लेता हूं एक तरफ, 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5। ठीक है, तो दो चीजें तुमने बना ली। अब देखो यहाँ पे एरीज जो है ना वो लगन में, और यहाँ पे जो एरीज है ना वो 8th हाउस में है। यहाँ पे वर्गो जो है ना वो 6th हाउस में है, और यहाँ पे वर्गो जो है 1st हाउस में है। तो एरीज जो जो है, टॉपिक समझना, एरीज जो जो है वो वर्गो नहीं है। क्लियर है? मतलब जो क्वालिटीज एरीज के अंदर में होती हैं वो क्वालिटीज तुमको वर्गों के अंदर में नहीं मिलेंगी। दे आर पोलर अपोजिट, एंटी हैं एक दूसरे के। अपोजिट मतलब कि ये एक जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है ना, उसी के भांति एरीज और वर्गो एक दूसरे के अपोजिट एनर्जीज हैं। इसका अर्थ को मैं बाद में समझाऊंगा, पहले उससे होता क्या है ये समझ लेना ज्यादा जरूरी है। जो एरीज वाला व्यक्ति होएगा वो व्यक्ति बहुत ही डिटर्मिनेंट
अड़िग, जीत के लिए जरूरी, फाइट करने वाला, लड़ाई करने वाला, चीजों को अपने बाहुबल पे ले लेने वाला, ठीक है, किसी एक चीज पे पूरा जीवन लगा देने वाला। ये ध्यान से समझना कि एरीज किसी एक चीज पे पूरे जीवन को लगा देने वाली बात है। क्यों? क्योंकि एरीज वन नंबर है, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, इट्स द फर्स्ट थिंग। तो एरीज की सोच ऐसी है, जैसे कि आप एक आर्मी ऑफिसर को देखिए, एक आर्मी ऑफिसर सिर्फ एक पोस्ट, चेक पोस्ट की रक्षा करते हुए पूरा जीवन लगा देता है, उसके उसके लिए उस पोस्ट के अलावा कोई और दूसरा इंपॉर्टेंस नहीं है लाइफ में, ठीक है। एक सूत्री कार्यक्रम करना कि पूरी एनर्जी एक दिशा में बहना, एक तरफ फोकस होकर के काम करना, ये एरीज देता है। तो इसीलिए जब व्यक्ति कोई ना, इसको विल, इसीलिए एरीज को विल बोला गया, विल, किसी भी चीज को पाने की आपने शिद्दत कितनी है ना, वो बोलते हैं ना कि इतनी शिद्दत से किसी चीज को चाहो कि सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाए, वो एरीज है कि इतनी शिद्दत से आप किसी चीज को चाह रहे हो कि आप उस चीज को पा सको, दैट इज एरीज। वर्गो इसका अपोजिट है, ठीक है, वर्गो में ये चीज मिसिंग होती है, ठीक है। तो एरीज में आप कोई चीज को बहुत शिद्दत से चाह रहे हो, कोई एक डिजायर को पाने की कोशिश है, एक चीज के पीछे आप भाग रहे हो, वर्गो में यही नहीं होता है। वर्गो चाहता है कि सब कुछ मिले थोड़ा थोड़ा, वो पूरा लेकिन एक दिशा में एक चीज को कर नहीं सकता है, ठीक है। तो मतलब जैसे कि एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था कि एक व्यक्ति है, वो कहता है कि जब इस सिटी की सारी लाइट्स ग्रीन हो जाएंगी ना, तब मैं गाड़ी निकालूंगा अपनी, तब मैं कार चलाऊंगा। ऐसा वर्गो सोचता है कि जब सारी हालातें ठीक हो जाएं, उसके कम मतलब उसके कह लो एक्सपेक्टेड बिहेवियर की तरह हो जाएं, तब वर्गो काम करता है। इसीलिए वर्गो लिखना, वर्गो इनिशिएटिव ले नहीं पाता है। इनिशिएटिव मतलब कोई भी चीज को स्टार्ट करने में वर्गों को दिक्कत है, क्योंकि स्टार्टिंग जो साइन है, जो स्टार्ट करने का साइन है, वो इस वर्गों को नहीं मिला हुआ है। मैं जब नहीं मिला हुआ बोलता हूं तो इसका अर्थ ये है कि वो जो साइन है वो या तो 6 में है या तो 8 में है, इसका अर्थ यही है कि वो साइन उसको नहीं मिला हुआ है, उसकी एनर्जी इसके हाथ में नहीं है, ठीक है। तो वर्गों के अंदर क्या एनर्जी नहीं है, कोई भी चीज को नया स्टार्ट करने की एनर्जी नहीं है। वर्गो बस कोई भी चलती फिरती चीज में अडाप्ट हो सकता है, लेकिन कोई भी नया काम स्टार्ट करने में उसको बहुत ज्यादा झिझक है। तो इसीलिए वर्गो बोलता है कि जब सारी लाइंस ग्रीन होंगी ना सिटी की, तब मैं कार निकालूंगा और तब मैं अपनी कार चलाऊंगा, कोई एक लाइन भी ग्रीन नहीं हुई तो फिर मुझे दिक्कत है। तो इसीलिए जो, और एरीज कहता है, एरीज कहता है कोई बात नहीं, सारी लाइट रेड भी हो ना तो भी मैं चलाऊंगा, मैं साइड से निकाल लूंगा। एरीज ना, एरीज के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत अच्छी है कि वो किसी तरह से मनूवर कर लेगा। मतलब कुछ लोग होते हैं ना आपकी लाइफ में, आप देखो कि टिकट नहीं है आपके पास, तब भी वो ट्रेन में चढ़ जाएंगे, बोलेंगे टीटी से बात कर लेंगे ना, क्या होता है देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, क्या करेगा टीटी, ज्यादा से ज्यादा निकाल देगा। लेकिन वर्गो के लिए ये एकदम लिखना वो वाली बात है कि ये उसके लिए एकदम वो पागल हो जाए वर्गो, कि अगर आप अरे टिकट नहीं लिया, कैसी बात कर दी, अब क्या करेंगे, हैरान परेशान हो जाए, ठीक है। तो दोनों में बड़ा फर्क है, दोनों की एनर्जी अपोजिट है। वर्गो सब कुछ प्लान करके करता है और एरीज वाला व्यक्ति कोई भी चीज प्लानिंग से करता नहीं है। इसीलिए एरीज वाले व्यक्ति को बहुत जरूरी है कि वो प्लानिंग करे, और वर्गो वाले को व्यक्ति को बहुत जरूरी है कि थोड़ा सा अपने डर को काबू करे और थोड़ा बाहर निकले, स्टेप इन करे, स्टेप आउट करे, ताकि वो कोई चीज का इनिशिएटिव कर सके। वर्गो वाला हमेशा यही सोचता रह जाता है ये होगा तो करेंगे, और वो कभी होता नहीं है, ठीक है। तो दोनों में फर्क
समझो कि एरीज बस शुरू कर देता है फिर देख लेंगे, है ना। कुछ लोग होते हैं लाइफ में कि फिगर आउट कर लेंगे फिर देखा जाएगा, हो सकता है शायद आप उस टाइम पे गिर जाए लेकिन वो लड़ते गिरते फिरते सीख लेंगे। इसीलिए आपको क्या मिलेगा, एरीज वाले लोग ना आपको देखो, आप देखोगे जो वैसे लोग जो पहाड़ चढ़ते हैं, ठीक है, वैसे लोग मिलेंगे, माउंटेन की चढ़ाई करते हैं जहां पे उनको मालूम नहीं कि क्या मिल जाए। और वर्गो वाला व्यक्ति जहां पे उसको नहीं मालूम है ना कि क्या होने वाला है, वो जाएगा नहीं, वो कहेगा नहीं 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 भाई भी कुछ भी हो सकता है वहां पे, उधर नहीं जाना। बट आई हैव दिस थिंग लाइक माइट बी एरीज कंप्लीट नहीं कर पाए और वर्गो हु इज लाइक वेल प्लानर ही कैन स्टार्ट विल फिनिश नो। ये चीज एरीज के साथ में, एरीज इज नॉट अ गुड फिनिशर। या ही डजंट फिनिश हाँ बिकॉज़ एंड करेक्ट, एरीज फिनिशर नहीं है, एरीज शुरुआत करना जानता है लेकिन फिर वो फंस जाता है बीच में क्योंकि प्लानिंग का पार्ट मिसिंग है ना। तो मैंने यही कहा कि एरीज को सीखने की जरूरत है कि प्लानिंग कैसे करनी है, एंड नहीं जानता है एरीज। एरीज कहता है कि देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। तो वो फिर क्या होता है कि एनर्जी मार्स की ऐसी ही होती है, जो स्टार्टर्स है ना, जो तुम्हारे गाड़ी के अंदर भी स्टार्टर्स है वो एरीज रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और जो ब्रेक्स हैं इसलिए सैटर्न रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ब्रेक्स स्टार्ट करने के लिए मार्स चाहिए और ब्रेक लगाने के लिए सैटर्न चाहिए, रोक। लेकिन इसीलिए जब किसी को सैटर्न मार्स का कॉम्बिनेशन मिल जाए तो ऐसा व्यक्ति कंप्लीट पिक्चर जानता है, क्योंकि मार्स की एनर्जी और सैटर्न का बल जो कि धैर्य का है, पेशेंस का है, एक्सपीरियंस का है, वो मिल जाए तो ऐसा व्यक्ति के अंदर में एक प्रकार का ये राजयोग क्रिएट करता है, जिसमें व्यक्ति को ये इसका भी ज्ञान है कि कोई चीज चालू कैसे करनी है और इसका भी ज्ञान है कि उसको संभाल के कैसे आगे लेके जाना है और अंत तक उसको लेके जाना है, ठीक है। सो इसीलिए जरूरी है कि एरीज वाले प्लानिंग सीख लें और वर्गो वाले डर में काबू सीख लें और इनिशिएटिव लेना सीख लें, तो ये बैलेंस है। तो वही मैं समझाना कि ये दो पोल्स हैं और आप कंप्लीट मैन तब बनेंगे जब आपने दोनों ही चीजों का एलिमेंट अपने अंदर ला लिया, तब आप कंप्लीट हो जाएंगे, वरना एक चीज के पीछे भागना दूसरे पीछे चीज को छोड़ जाना होता है। और दोनों की अपनी अच्छाई और बुराई दोनों है, मतलब कोई चीज प्लानिंग से करना, कोई इवेंट आप कर रहे हैं, कोई चीज आप बहुत बड़े लेवल पे कर रहे हैं और आपकी प्लानिंग नहीं है तो आप फंस जाएंगे, तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। और अगर कोई चीज़ ऐसी है कि बहुत दिन से आप वेट कर रहे हैं, इसीलिए वर्गो कहीं ना कहीं प्रोक्रेस्टिनेशन का भी कारक है कि आप इंतजार ही करते रह गए, ठीक है, वेट ही करते रह जाएंगे, प्रोक्रेस्टिनेट करते रह गए, अब करेंगे तब करेंगे, एकदम लास्ट मोमेंट पे काम करने वाला लोग। वर्गो एकदम लास्ट मोमेंट पे काम करता है कि आप डेडलाइन आ गई, आप तो नहीं करे तो फिर नहीं होगा, तो फिर वो वर्गो करेगा। और एरीज विल बी द फर्स्ट वन। तो इसीलिए कोई व्यक्ति कोई मीटिंग में जल्दी पहुंचता है कि लेट पहुंचता है, इससे आप जान जाओगे कि ये व्यक्ति वर्गो है कि एरीज है, या इसके अंदर वर्गो का क्वालिटी है एरीज क्वालिटी। एरीज व्यक्ति हमेशा 10 मिनट पहले पहुंचता है कहीं पे भी, वो पहले आके बैठ जाएगा कि चलो शुरू करो, हाँ देखना चाहता हूं मैं भी क्या होने वाला है। और वर्गो वाला हमेशा 10 मिनट लेट आएगा, होगा वर्गो वाला आराम से अपना टाइम ले। आराम से आएगा, हाँ वो अपना टाइम लेकर के आएगा, वो बोले अरे मिस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, क्योंकि एरीज का क्वालिटी नहीं है, जल्दी नहीं है ना कोई चीज की, और एरीज के अंदर वो जल्दी है करने की, वो तीक्ष्णता है, वो पाने की चेष्टा है, उसे पहाड़ चढ़ना है, उसे चीजें करनी है, वो जल्दी में। और वर्गो वाला व्यक्ति प्लानिंग करेगा, चीजें ऐसे कर लो ऐसे कर लो, उसमें डिजाइन सोचेगा कि ये इसको है इस, अरे ये सब काम मेरे से नहीं होता। इसीलिए वर्गो वाला व्यक्ति बहुत अच्छा सोच सकता है, क्रिएटिव चीजें कर सकता है। मार्स एरीज वाला व्यक्ति क्रिएटिव चीजें करना नहीं है, वो ठोस चीजें करना चाहता है। ठोस मतलब समझ रहे हो, सॉलिड, मतलब कोई चीज। अब इसमें देखो फर्क आता है ऐसा कि मार्स वाला व्यक्ति ना कोई सामान भी खरीदता है तो ऐसे सोच के खरीदता है कि सुंदरता नहीं देखनी है मेरे को, बस ठोस होना चाहिए, अच्छे लंबे समय तक काम करे, इस बात का ध्यान रखता है। और जो मार्शियन नहीं होंगे, जो वर्गो होंगे, वो ये सोचते हैं कि यार सुंदर दिख रहा है कि नहीं, सुंदर दिख रहा है ना तो ठीक है, चलो अभी थोड़े टाइम के बाद चेंज भी कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस तरह से सेकेंड हाउस में जिसके भी मार्स है ना, तुम उसका पर्स देखो, वो पर्स एक बार खरीदेगा
और वो इतना तब तक घिसेगा जब तक उसकी एकदम अदड़ियां ना निकल जाए, ठीक है? क्योंकि वो जो ऐसा सामान खरीदता है कि वो चलने वाली ज्यादा हो, लॉन्गर ड्यूरेशन तक चल सके। मार्स ठोस चीजें खरीदता है। उसके घर के बर्तन भी तुम्हें मंगल के घर के, मंगल सेकेंड हाउस में ना, तो उसके बर्तन भी तुमको ऐसे सॉलिड मिलेंगे ना, ऐसे भारी भरकम बर्तन मिलेंगे कि लगेगा उसके कांच के बर्तन। ना ना ना, ना कांच और उसके बर्तन कौन रखता है? कांच के बर्तन 2 दिन में टूट जाने हैं मंगल के घर, मंगल सेकेंड हाउस में। तो वो ऐसे बर्तन रखेगा जो सॉलिड हो, भार मार दो तो 3-4 लोगों के सर इकट्ठे फूटे, वैसे बर्तन रखेगा, बड़े बर्तन रखेगा। वो प्रोमिनेंस बर्तनों में आएगा। सेकेंड हाउस बर्तन का डिनोशन है, यूटेंसिल्स इन विच यू ईट। इसीलिए बोलते हैं ना कि चांदी के बर्तन में खाइए या सोने के बर्तन में खाइए। इस वो राजा महाराजा लोग खाते थे, और वो एक प्रकार से रेमेडी भी है। सेकंड हाउस आप अच्छा कर रहे हैं, सेकंड हाउस में आप अच्छे इन्फ्लुएंसेस डाल रहे हैं। पीतल के बर्तन में खाइए, जुपिटर सेकंड हाउस। चांदी के बर्तन में खाइए, मून वीनस सेकंड हाउस। सोने के बर्तन में खाइए, सन सेकंड हाउस। मार्स सेकंड हाउस में हो तो तांबे का बर्तन यूज करना। इस भांति मिट्टी के बर्तन भी है ना, मिट्टी के बर्तन भी है मार्स। बिल्कुल सही बात है। और सैटर्न सेकंड हाउस में हो तो उत्कर्ष। सैटर्न सेकंड हाउस में हो तो लोहे की कढ़ाई, लोहे के बर्तन। लोहे का कुकर, कुकर लोहे का कुकर नहीं होता सैटर्न है। है, कुकर कुकर सैटर्न नहीं। देखो मंगल सेकंड हाउस में हो तो ऐसे व्यक्ति कुकर में खाना बहुत बनाता है। है। क्यों? क्योंकि मंगल सेकंड हाउस वाले व्यक्ति को खाना जल्दी बनाना है, तो इसलिए क्या करता है, सब कुछ ढोपो, ढक्कन लगाओ, 10 मिनट में तैयार। लेकिन सैटर्न सेकंड हाउस में, आई मीन सैटर्न की बात नहीं कर रही, कुकर में प्रेशर से बनता है खाना, आप लॉजिक तो लगा रहे हो जहां पे लॉजिक लगाना नहीं है, ठीक है? ऐसे तो कुकर की सीटी कुछ और ग्रह बनाओगे, कुछ और बनाओगे, बट मैं जो बता रहा हूँ वो फंडामेंटली ऐसे है कि जल्दी कर चीजें करने के लिए तुमको मार्स चाहिए। ठीक। मैंने एक चार्ट देखा है, मार्स राहु इन सेकेंड हाउस, पाइसिस लगना मा राहु, पाइसिस लगना एरीज इन सेकेंड हाउस, और उसी में राहु बैठा है। मैंने बोला कि बैठा आप ना, आप सारे खाने कुकर में बनाते हो, और इसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यूज होने लग जाएंगे। क्विक खाना, माइक्रोवेव में खाना बनाना, माइक्रोवेव में भी खाना मार्स बनाता है, अच्छा मतलब जल्दी बनाने का प्रोसेस है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो तुम क्योंकि जान है, क्या करोगे इस जान के कि कुकर शनि है कि माइक्रोवेव केतु है, ये नहीं। हाँ द होल लॉजिक बिहाइंड इज कि जल्दी खाना बनाना है, क्विक चीजें करनी है। सैटर्न सेकंड मतलब इवन खाना बनाने का तरीका भी आप देख सकते हो कि प्लैनेट कैसा है। सैटर्न सेकंड हाउस में ना, तो ऐसा व्यक्ति बड़े हौले हौले से आराम से एक एक चीज को कर देखते हुए कि नमक ठीक चल रहा है कि नहीं, धीरे धीरे कुक करेगा। फर्क है ना सैटर्न मास में। मार्स वाला व्यक्ति कहता है कि बस सब कुछ ढोपो, बस दाल है ना इतना काफी है, मार्स के लिए इतना जरूरी कि खाने को हो जाए उतने काफी है। और सैटर्न वाला व्यक्ति उसको धीमी आंच पे पकाएगा, फिर आंच तेज करेगा, फिर बॉईल आने का इंतजार करेगा, इस तरीके से वो पकाएगा। दोनों में फर्क है, बुनियादी फर्क। इसीलिए सैटर्न वाला व्यक्ति, इसलिए मार्स वाला व्यक्ति कैसा चीजें खरीदता है, ठोस चीजें खरीदता है कि जो लंबे समय तक चल जाए, वैसी वाली चीजें लो, मजबूत चीजें लो, सॉलिड होना चाहिए। उसका सुंदरता से कोई लेना देना नहीं होगा, सुंदरता दूर दूर तक गई, सुंदर नहीं होना चाहिए, ठोस होना चाहिए, ज्यादा हद तक काम करना चाहिए। दैट इज वेरी प्रायोरिटी ऑफ मार्स। दैट्स हाउ यू परसीव, दैट्स हाउ यू अंडरस्टैंड मार्स और एरीज और वर्गो में डिफरेंस समझना। तो एरीज अगर क्विकनेस है तो वर्गो प्रोक्रेस्टिनेशन है, चीजों को टालने का काम है वर्गो में, डिलेज है, प्रोसेस स्लोड है। इसीलिए अगर अब तुम ध्यान से समझो कि ये सिर्फ एक लेवल पे नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ तुमको एक लेवल पे नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि वर्गो अगर स्लो है ना तो तुम्हारी बॉडी में भी वर्गो स्लो है। बॉडी में क्या होता है वर्गो कशिश, बॉडी में वर्गो क्या है? डाइजेशन सिस्टम नीचे, स्टमक डाइजेशन सिस्टम, वर्गो डाइजेशन वर्गो स्मॉल इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन। और तुम अगर
भोजन के विज्ञान को समझते हो कि खाना कितनी देर कहाँ पे रहता है, तो तुम्हें मालूम है कि जो फूड है वो सबसे ज्यादा जो लंबा समय पेट में व्यतीत करता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में व्यतीत करता है, समझ रहे हो? इसीलिए वर्गो स्लो है, वर्गो का साइन स्लो है और एरीज का साइन क्विक है, ठीक है? वर्गों में लीस्ट कंजम्पशन ऑफ एनर्जी होता है पूरी बॉडी में। अगर आप एनर्जी वाइज देखोगे कि किस जगह पे हीट सबसे ज्यादा कंज्यूम होती है, कैलोरी सबसे ज्यादा कंज्यूम होती है, तो वो एरीज में होती है। ब्रेन के हिस्से में आपके 22 से 25% जो आपकी एनर्जी है वो कंजम्पशन होती है, आप कुछ करो चाहे कुछ ना करो वो कंज्यूम होनी होनी, दैट इज एरीज। और वर्गों में लीस्ट कंजम्पशन ऑफ एनर्जी होती है, वहां पे तो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी होता है, वहां से तो चूस लिया जाता है एक एक मोमेंट, एक एक खाद्य पदार्थ के गुणों को, और फिर उसको पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है, ठीक है? तो मोस्ट ऑफ द टाइम इज स्पेंड इन वर्गो एंड द लीस्ट टाइम इज डन इन एरीज। तो एरीज में क्विक चीजें हैं, वर्गो में स्लो चीजें हैं, तो ये भेद है दो पोल्स को समझाने का, एरीज और वर्गो का। और एरीज और वर्गो एक दूसरे के पूरक भी बन सकते हैं अगर दोनों एक दूसरे की थोड़ी थोड़ी क्वालिटीज को अपने अंदर इनबिल्ड कर लें। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं? यस और नो? यस ठीक है। सो देखो, जाओ देखो, वर्गो लगन वाले व्यक्ति को उससे बात करो और एक बार एरीज लगन वाले व्यक्ति से बात करो, दोनों की एकदम विचारधारा ही तुमको अपोजिट मिलेगी। आप ना एरीज वाले को एक बार बोलना कि चल यार ट्रेकिंग पे चलते हैं, और एक बार वर्गो वाले को बोलना चल भाई ट्रेकिंग पे चलते हैं, दोनों के रिएक्शंस देखना तुम, ठीक है? दोनों के विपरीत उत्तर तुमको मिलने हैं, ठीक है? तो इस भांति हमने एरीज कवर कर लिया, एरीज में मैंने मोस्ट ऑफ चीजें एक्सप्लेन करी, टॉरस में भी तुमको बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करी, जेमिनाई अब नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, आज टाइम कम बचा है, जेमिनाई करते हैं। जेमिनाई में हम लोग देखेंगे भाई बहन देखेंगे, पड़ोसी देखेंगे, तुम्हारे घर की सीढ़ियां देखेंगे, सीढ़ियों में रखे जाने वाले सामान भी देख लेंगे कि किस प्रकार की चीजें रख सकते हैं। जेमिनाई में बोली शैली, लिखन शैली, राइटिंग स्किल्स ये भी देखेंगे। कोई व्यक्ति का पार्किंग में झगड़ा होगा कि नहीं होगा, कि उसको घर के पार्किंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये भी देखेंगे। आपके पड़ोस में शिव जी का मंदिर है कि आपके पड़ोस में मस्जिद है, ये भी हम जेमिनाई में देखेंगे। तो जैसा कि मैं कहता हूं कि जानने के लिए देखते रहिए फंडामेंटल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। नाइस तो एक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, एनीथिंग? क्लियर हुआ ना? इतना क्लियर हुआ? अभी जो भी चीज सीखी है ना, 5 मिनट बैठो और देख लो कि क्या क्या सीखा। देख लो कि तुमने ये सीखा कि कोई प्लैनेट कौन सा प्रकार का भोजन बनाता है, किस प्रकार के भोजन का आदि बनाता है, कोई लगन में प्लैनेट, कोई लगन में साइन हो तो किस प्रकार का व्यक्ति को हाँ बॉडी शेप मिलता है, ठीक है? ये सब तुमने देख लिया, हैंग कर गया मैं। हाँ यहाँ पे नीचे होगा ठीक है। तो तुमने बॉडी शेप देख लिया कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति का बॉडी शेप कैसा होएगा, क्योंकि फिर फेस में तुमने देखा कि फेस में किसी को इश्यू होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है? दांतों में प्रॉब्लम होगी किसको नहीं होगी, ठीक है? आंखों में किसको प्रॉब्लम होगी कि नहीं, हमने किसी की अपब्रिंगिंग, तुम अगर किसी ऐसे दोस्त को जानते हो जिसको पैसों का प्रॉब्लम रहा है बचपन से, उसको फोन मिला पूछो भाई तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ क्या है, देखो उसके चार्ट में तुम्हें मिलना चाहिए, और ना मिले तो मेरा गला दबाना, क्योंकि तुम्हारा काम है मेरे से एंटी रहना, तुम्हें विद्रॉ करना है, तुम्हें यह प्रूफ करना है कि नहीं सर ये जो आप बोल रहे हो ना सब बकवास बातें हैं, तुम्हें यह प्रूफ करना है। लेकिन इस प्रूफ करने के चक्कर में तुम ही सीखोगे, क्योंकि शायद मैंने हो सकता है देख लिया,
इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम लोग विद्रोही बनो, तुम लोग उसका एंटी लाओ, लाओ कि सर ये तो देखो सैटर्न सेकंड हाउस में, लेकिन ये तो बंदा बहुत ही एकदम रईसों वाला जीवन जिया है, मैं भी देखना चाहूंगा कि हाँ दिखाओ। ठीक है, सो अगेंस्ट में, हाँ नेहा जी बोलिए। नहीं, अगर सैटर्न सेकंड हाउस में है और किसी ने रईस वाला जीवन दिया है तो हाँ, तो कोई तो कारण होगा ना जिस जिसकी वजह से जिया है, कुछ और कॉम्बिनेशन होगा, फिर तुम्हें उसका एक्सपेंशन मिलेगा, क्योंकि मैं जितना समझाऊंगा वो हो सकता है एक सीमित हो, क्योंकि जिस सैटर्न की तुम बात कर रहे हो सकता है उस सैटर्न पे किसी और का इन्फ्लुएंस आ जाए। मान लो जो सैटर्न सेकेंड हाउस में है उसको वीनस देख ले, या सैटर्न लिब्रा का हो जाए, एग्जॉल्टेड हो जाए, तो वहां पे वो कैंसिलेशन आ गया। तो मैंने सूत्र बताया है तुमको, लेकिन तुम्हारी अब वो है कि तुम ढूंढोगे तो तुम्हें कुछ बातें और मिलेंगी, है ना? जैसे मेरा सेकंड हाउस सैटर्न है, सेडेट्रो में, ठीक राइट है। राइट मेरे दांत टचवुड हमेशा से अच्छे रहे हैं, आंखें हमेशा से बढ़िया रही हैं। ठीक है अब जाके 40+ हो गए तो फिर जो थोड़ा बहुत होगा वो है। तो ठीक है, आई नो सन इज वॉचिंग फ्रॉम 8th हाउस। बस खत्म हो गया ना। तो जो हाँ उसकी एंटी एनर्जी मिल गई उसको तो बात खत्म हो गई। सेंस कैंसिल हो आ, गया हो। हाँ अब तुम ये देखो ना कि सैटर्न जो तुमको, जब मैंने एग्जॉल्टेशन डेबिलिटेशन समझाया था, तो सैटर्न जहां जहां एग्जॉल्टेड होता था वहां वहां सन डेबिलिटेटेड होता था, और जहां जहां करेक्ट, सन डेबिलिटेटेड होता है वहां वहां सैटर्न एग्जॉल्टेड होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सैटर्न की अपोजिट एनर्जी सन है, तो इसका मतलब सैटर्न लेने का कारक है, सन देने का कारक है। ठीक है, तो आपने खाने का दान कर दिया इसलिए आपको सैटर्न के इफेक्ट नहीं मिले, आपने पैसा नहीं लिया, बोले हम पैसा नहीं लेंगे, सेकंड हाउस में सैटर्न वाला व्यक्ति हो तो उधारी बहुत ले लेता है, लेकिन सन हो जाए तो वैसा व्यक्ति दान कर देता है, बोले नहीं 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 मेरे को पैसे नहीं चाहिए, मेरे को दान दे दिया, तो उसकी वजह से वो उसका एंटी अपो एनर्जी की वजह से वो कैंसिलेशन होता है ये चीज। लेकिन जब तुम चार्ट्स खोलोगे देखोगे तब तुम्हें समझ में आएगा ना। सर मुझे अपने चार्ट का नहीं समझ में आ रहा, उसमें केतु भी है, नेपच्यून भी है, यूरेनियम भी है, तो ये कि नहीं हम समझ। नेपच्यून यूरेनियम की बात ही नहीं है, सिर्फ केतु है। तो पापा तुमको चाहिए 10,000 रुपए, लेकिन तुमको 9 ही मिलते हैं ना, तुमको चाहिए 11,000 रुपए, तुमको 9 ही मिलते हैं ना, केतु सेकंड हाउस जितना बताया। और उसके बाद तुम्हारे 8th हाउस में 3-4 प्लैनेट है, वो देखते हैं उनको। तुमको अभी एक केस बताया था जिसमें जुपिटर देखता है, कोई भी प्लैनेट अगर 8th हाउस में बैठ गया तो वो तो सेकेंड हाउस को क्या कर देगा, अपलिफ्ट कर देगा, उठा देगा, उसकी एनर्जी को बैलेंस कर देगा। सर देखने का मतलब क्या होता है, मतलब कैसा देखना होता है, इज इट कोई भी, कोई। हाँ बता देता हूँ, कोई भी प्लैनेट, ये मैंने बेसिक में शायद कवर किया है ऑलरेडी, कोई भी प्लैनेट जो होता है ना अपने से 7th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को देखता है। वहां से 7th काउंट करके जहां हाँ वो बैठा है वहां से हाँ 7th, वहां से 7th काउंट कर लो, तो सेकेंड उसको हाउस भी में आया काउंट। हुआ तो 7th, सेकेंड हाउस में कोई प्लैनेट है तो सेकेंड हाउस को गिनोगे तो वहां से 7th हाउस गिनोगे तो 8th हाउस आ जाएगा। ओके ठीक है, तो वो अपने से जो भी 7th में बैठेगा, वो जो भी 8th हाउस में बैठेगा वो सेकेंड हाउस को देखेगा, पोलर अपोजिट। तो सर जैसे आपका मार्स है सेकंड हाउस फाइन, तो जैसे 7th हाउस वहां से खाली पड़ा है तो नो दृष्टि, नो दृष्टि, फिर वो मार्स सेगे मार्स की बात है। हाँ मार्स ही है। तो हाँ इनिशियली जैसे यू टोल्ड की थोड़ा प्रॉब्लम्स होता है चाइल्डहुड में कि पैसे की तंगी ऑल दैट यू टोल्ड, बट इवेंचुअली जैसे शनिदेव जी, जैसे शनि भी अगर बैठा है सेकेंड हाउस में, अर्ली चाइल्डहुड यू विल बी फेसिंग प्रॉब्लम क्राइसिस एंड ऑल दैट, बट इवेंचुअली इन लाइफ यू विल बी गेटिंग, आपको सब कुछ मिलेगा। हाँ एग्जैक्टली वॉट अबाउट एग्जैक्टली मार्स, इवेंचुअली फिर इस मार्स में भी वही प्रोसेस है? हाँ, मार्स में देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है परिवार की, इसीलिए आपको जन्म दिया गया है। ठीक है, और बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, शिक्षा का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। मार्स सेकेंड हाउस में व्यक्ति टीचर बनता है, या पढ़ाने वाला भी बनता है, या ज्ञान के लिए काम करने वाला भी बनता है। ठीक है, या फिर मुद्दा यही है कि एजुकेशन या फिर बच्चों के लिए काम करता है, टीचर बनता है तो बच्चे होते हैं ना सामने, तो उसके लिए करता है। तो ऐसा व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे जैसे वो लेने लगता है धीरे धीरे उसका मार्स, क्योंकि मार्स का ना एक ड्यूरेशन है 14 से लेके 28 का ड्यूरेशन है मार्स, इसमें सबसे उग्र रहता है, क्योंकि मार्स शारीरिक ऊर्जा का प्रभुत्व है,
सबसे हाई एनर्जी का हुआ है। तो 28 के बाद फिर मार्स धीरे धीरे शांत होता है, ठीक है, 28 के बाद धीरे 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 मार्स की एनर्जी कम होती जाती है। तो इसीलिए जब आपको मैक्सिमम जो इश्यूज देखने को मिलेंगे वो 14 से 28 के ड्यूरेशन में मिलेंगे, जो मार्स के प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। उसके बाद फिर मार्स धीरे 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 अच्छा काम करना शुरू कर देता है और वो शांत होता चला जाता है, उसकी अग्नि थोड़ी कम होती है, और इस भांति फिर आप ऑटोमेटिकली परिवार के लिए चीज़ों के लिए आप एक सॉफ्ट कॉर्नर रख करके उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, खाने के रिगार्डिंग में चीज़ें करना, वो करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब एक अभी एक और बात बताता हूँ, अब क्योंकि मैंने समय बचा ही हुआ है, 5-10 मिनट है, एक और चीज़ बताता हूँ। फिर पंडित और पंडित कह लो कि धर्म को मानने वाला और धर्म को ना मानने वाला भी मार्स से देखा जा सकता है। जैसे कि सेकंड हाउस में मार्स है या फिर नाइन्थ हाउस में मार्स है, तुम खुद ही समझते हो कि आप कौन पंडित है, कौन कौन धर्म को मानने वाला और कौन धर्म से काम करना ही करने वाला है। क्योंकि जिसका नाइन्थ हाउस में मार्स होगा वो व्यक्ति क्या करता है, वो किसकी प्रोटेक्शन करता है, वो किसके लिए चीजें करता है, वो नाइन्थ हाउस के लिए करता है, धर्म के लिए करता है, ठीक है। तो जो तुमको कट्टर मिलेंगे या पंडित मिलेंगे, जो पूजा पाठी होंगे, जो जो रिचुअलिस्टिक चीजों को करने में ज्यादा बिलीव करते हैं, रिचुअल्स फॉलो करने में ज्यादा बिलीव, वो तुमको मार्स इन सेजिटेरियस मिलेगा या फिर मार्स इन नाइन्थ हाउस मिलेगा। और जो रिचुअल्स को फॉलो नहीं करते हैं, जो जो योग को फॉलो करते हैं या फिर जो दूसरे डायमेंशन है, मतलब हायर एनर्जी, यूनिवर्स, पूजा पाठ को छोड़ करके, मतलब पूजा सिर्फ अगरबत्ती दिखाना और उस सब को छोड़ करके जो करते हैं, वो तुमको कहाँ मिलेंगे, मार्स सेकेंड हाउस में मिलेंगे तुमको या मार्स ट्वेल्थ हाउस में मिलेंगे तुमको। जिनका लाइक ना भक्ति की तरफ इंक्लिनेशन ज्यादा होगा वो तुमको मार्स ट्वेल्थ हाउस में मिलेंगे, मतलब भक्ति मेडिटेशन इस सब में जो मिलेंगे वो मार्स ट्वेल्थ हाउस में मिलेंगे, ठीक है। नाइन्थ हाउस का मार्स पक्का पंडित है, मतलब उस वो सुबह 6 बजे उठ करके ओम भूर्भुवः स्वः से वो शुरू हो जाएगा, वैसा वाला है। सेकंड हाउस का मार्स कहता है कि ये सब, तो सेकंड हाउस का मार्स इनिशियल ऑन धार्मिक नहीं हो सकता, क्योंकि वो कहता है कि कर्म ही सेवा है, ठीक है। उसके लिए बिलीफ सिस्टम ऐसा है उसका कि ना सेवा ही धर्म है, यही है, यही पूजा है, परिवार की पूजा करो, लोगों को भोजन कराओ, सेवा करो, यही है, लोगों का प्रोवाइड कराना उसका धर्म होता है सेकेंड हाउस के मार्स का। और नाइन्थ हाउस के मार्स का धर्म रिलीजन से रिलेटेड है, इसलिए जो रिलीजन के नाम पे लड़ते हैं वो तुमको सेजिटेरियस या फिर नाइन्थ हाउस का मार्स मिलता है। जो लोगों के लिए लड़ते हैं, मतलब जो एज अ कह लो कि सोसाइटी के लिए काम करते हैं, सोसाइटल होते हैं, जो कहते हैं कि मनुष्य को भोजन करो, जैसे सरदार जी लोग काफी होते हैं, सेकेंड हाउस मार्स है, ये उनका नेचुरली वो मार्स का एनर्जी इस तरह से काम करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जेमिनी से आगे बढ़ेंगे। आई एम होपिंग कि तुम लोग लेक्चर्स देख रहे हो, ठीक है, क्योंकि कैंसर तक मैं ये प्रोसेस करने वाला हूँ धीरे धीरे समझाते हुए, हर क्योंकि बारीक से समझाने की कोशिश है, कुछ ऐसी चीजें जो मिसिंग है, उसके बाद फिर मैं थोड़ा छोड़ूंगा आप लोग को कि समझ के आओ, फिर पूछूंगा वहां पे, टेस्टिंग होगी वहां पे, ठीक है। तो इसलिए पढ़ो, लेक्चर्स पढ़ो, चीजें करो,